आज ये जो टॉपिक हमने रखा है कि इस्लाम को जानना क्यों आवश्यक है, तो मैक्सिमम लोग नाम से परिचित हैं कि इस्लाम क्या है, और हमारे देश में एक प्रचलित मत है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, सर्वधर्म समभाव की भी हम बात करते हैं। तो फिर हमें इसे जानने की आवश्यकता क्यों है? जैसा आप टाइटल में देख चुके हैं कि कुछ इसके ऐसे फैसेट्स हैं, कुछ ऐसे आयाम हैं जो इस्लाम को सनातन धर्म से, या अगर हम ये बोलें कि भारत में उपजी जितनी भी विचारधाराएं हैं उनसे अलग करते हैं। तो नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि जो भिन्नता है या विविधता है वो एक वांछनीय वस्तु है, कि हम उसको एक ऐसा मानते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म जितना हो, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कैवियट्स भी होती हैं कि अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं तो उसकी कोई लिमिटेशंस हैं या नहीं है, क्योंकि जो हमारा देश है, अगर हम आज तो फिर भी हम बहुत अगर भौगोलिक रूप से देखें तो काफ़ी छोटे हुए हैं, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान को मतलब पुराना वाला पोर्शन छोड़ भी दें, आज भी अगर हम कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जाते हैं तो इतनी विविधता दिखाई देती है कि उसी से हमें समझ में आ जाता है कि हमें मल्टीकल्चरलिज्म या प्लूरलिज्म के लिए किसी वेस्ट से या किसी मिडल ईस्ट के लोगों से कोई लेक्चर लेने की, कोई पाठ सीखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है। एक मैं कभी कभी इसके लिए उदाहरण दिया करता हूँ कि अगर मान लीजिए हम एक नया शहर बसाने लगे हैं, एक नई टाउनशिप बसाने लगे हैं, तो उसके लिए हमें हर तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, कि उसमें हमें प्रोफेसर भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए, हर तरह के लोगों की आवश्यकता है। लेकिन इन सबको लाने के बाद अगर हम ये सोचने लगे कि हमें थोड़े से अब मल्टी कल्चरलिज्म बनाना है, प्लूरलिज्म बनाना है, हमें इसमें थोड़े से चोर भी चाहिए, थोड़े से रेपिस्ट भी चाहिए, थोड़े से पीडोफाइल्स चाहिए, तो वहां पर जो प्लूरलिज्म है या जो मल्टी कल्चरलिज्म है वो एक एक्सट्रीम तक चला जाएगा कि हमने जेल बना रखी है तो हमें उसके लिए लोग भी चाहिए। तो कुछ इसी लाइन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या चीज़ हमें वांछनीय है, क्या चीज़ें जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या है जो सभ्य समाज में जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस्लाम का हमारे देश के साथ जो इंटरेक्शन है वो सबसे पहला 712 में होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम आता है। तो उस समय जब ये लगभग निश्चित हो गया कि जो डिफेंडिंग राजा थे, राजा दहिर सेन था उनका नाम, कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और जो उनका बेटा है जय सिंह उसका नाम था, कि वो भी पराजित हो गया या बहुत दूर है, तो जो किला था उसके अंदर जो महिलाएं थी, जो रानी है, वो सबको बुलाती है और उनसे कहती है कि आज सिचुएशन ये है कि जो मोहम्मद कासिम है वो समय उसके लिए मलेच्छ और चांडाल शब्द यूज करती है कि वो यहाँ पहुंच गया, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सम्मान किसी के हाथों में जाए, इसलिए मैं आत्मदाह करने वाली हूँ, तुम में से जो चाहती हैं वो मेरे साथ आत्मदाह कर सकती हैं। तो ये जो पहली उनकी इंग्रेशन थी, इंटरेक्शन उससे पहले भी हो रही थी, पहले उनको मार मार के भगाते रहे, लेकिन ये पहली जो उनकी सफल होने वाली थी उसमें, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ लेडीज को उस समय भी पता था कि किस तरह का खतरा है, क्योंकि वो बात पहुंच चुकी थी हिंदुस्तान में कि किस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां जितनी महिलाएं थी, जितने क्षत्रिय बाहर लड़ रहे थे, उन सभी की पत्नियां, उन्होंने सबने एक बहुत बड़े हॉल में अग्निकुंड जलाया और उसमें अपने आप को जला लिया। इसके बाद लगभग 200-250 साल तक शांति रहती है कि वो जितना मोहम्मद बिन कासिम अंदर आया था उसे मार के भगा दिया और वापस हमने रिक्लेम कर लिया। फिर जब महमूद गजनवी आता है लगभग सन 1000 के आसपास, तो उसका जो क्रॉनिकलर है अल बिरूनी, वो अपनी एक बड़ी फेमस उसकी किताब है किताबुल हिंद, उसमें एक बात बड़े क्लियरली लिखता है, वो कहता है कि हम में और हिंदुओं में, तो हम में से वो क्योंकि मुसलमान था उसकी बात कर रहा है, कि मुसलमान और हिंदुओं में लगभग सारी चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ये उसने फिर उसके बाद उसने एक लिस्ट बना के दी है कि क्या क्या चीज़ें अलग हैं, और सबसे पहली चीज़ वो जो बोल रहा है वो वहाँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है तो उसे रिलीजन कह रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसने मजहब की बात की होगी कि हमारा मजहब
हिंदुस्तान के मजहब से पूरी तरह से अलग है। इसके बाद हमारे देश में तुर्कों ने आना शुरू किया, फिर पठान आए, शर्की आए, मुगल आए। तो ये जो 700-800 वर्ष थे, ये हमारी लड़ाई होती रही, संघर्ष होता रहा। और ये टाइम में मुझे कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला जहां पर हमने इस्लाम को, मतलब हमसे मेरा मतलब भारत के रहने वालों ने, इस्लाम को पढ़ा हो, स्टडी किया हो और आइडियोलॉजी के रूप में इसकी पहचान की हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करते समय आप इंटेलेक्चुअल परस्यूट में ध्यान नहीं दे रहे होते, तब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर जो हमें सबसे अच्छा इस्लाम का एक्सप्लेनेशन सनातन धर्म की ओर से मिलता है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो दिया है अपने सत्यार्थ प्रकाश के 13वें-14वें समोल्लास में। उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एक्सप्लेन किया है और वो वही बात बोल रहे हैं जो पहले 1000 साल पहले अल बिरूनी ने बोली थी कि बिल्कुल अलग है। डिफरेंस क्या है कि अल बिरूनी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि इस्लाम और सनातन धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऋषि ने, महर्षि ने उसे इंडिविजुअल्स को अलग करने की बजाय उन्होंने आइडियोलॉजिकल लेवल पे उसको अलग करके बताया, जो हमारे देश की पूर्व पक्ष की परंपरा है कि हम आइडियोलॉजीज को स्टडी करते हैं, उनमें से अगर कुछ अच्छा होता है तो उसे अडॉप्ट करते हैं और अगर वो अच्छी नहीं है तो हम उनको इंटेलेक्चुअली हरा के उन्हें पराजित करते हैं। अच्छा, अब ये जो स्वामी जी ने जब काम किया था वो 19वीं सदी में था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए जिन्होंने अपने स्टाइल से इसके बारे में बात की। फिर अरविंद घोष आते हैं, लोकमान्य तिलक आते हैं, वो भी लगभग उसी तर्ज पे चल रहे हैं। लेकिन एक फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि जो कांग्रेस की जो कंट्रोल है वो गांधी जी के हाथ में आ जाती है। तो वहां से जो ये जो डिस्कोर्स है बिल्कुल 180 डिग्रीज घूम जाता है कि अब हम सर्वधर्म समभाव की बात करने लग जाते हैं और हम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करने लग जाते हैं। और वहां से चलते हुए अब जो खिलाफत आंदोलन उन्होंने मिलकर शुरू किया गांधी जी ने, आज लगभग 100 साल हो गए हैं। इन 100 वर्षों में फिर जो इस्लाम के बारे में सबसे अच्छा हमने एक्सप्लेनेशन देखा है वो रामस्वरूप जी का है और सीताराम गोयल का है। कॉनराड एल्स्ट का हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आज जो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं वो उसी सीक्वेंस में चलती है कि हमें यहाँ पर अलबेरूनी वाली गलती नहीं करनी है। उसने कहा हिंदू और मुसलमान अलग हैं, जबकि आज हमारी डिस्कशन ये रहेगी कि जो इस्लाम है और सनातन धर्म है वो आपस में अलग है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेंस में बात कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हार्डवेयर हैं, जो आइडियोलॉजी है वो सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर को ड्राइव करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर आप जहां जहां डालते रहेंगे वो वैसा ही काम करेगा। तो मैं आपके साथ आज जो चीजें शेयर करना चाहता हूं, मैंने उनके थोड़े से बुलेट पॉइंट्स अपने बना लिए थे। ये मैं आपके साथ जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो शेयर कर रहा हूं कि सबसे पहले आते हैं कि सोर्सेज ऑफ इस्लाम क्या है। पहली चीज है कि जब हम किसी भी आइडियोलॉजी की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी ओपिनियन पे बेस्ड होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसी के सोर्सेज से हम इसकी बात कर सकते हैं। तो इस्लाम के जो मेजर सोर्सेज हैं, कुरान जिसके बारे में सबने सुना होता है, जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों की होली बुक है। अब इस्लाम को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसका जन्म हुआ था 570 में। अब आज जो वेस्ट में जो मॉडर्न स्कॉलरशिप चल रही है वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, जो हमारे देश में और मिडिल ईस्ट में जो अभी तक का प्रिडोमिनेंट नैरेटिव है, या आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है, उस नैरेटिव में ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था उसका जन्म मक्का में हुआ था, लेकिन अभी बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ट्रस्टवर्दी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आर्कियोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के हैं, स्पेशली मैं डैन गिब्सन का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, जिनका कहना ये है कि जो इस्लाम शुरू हुआ था वो मक्का में नहीं शुरू हुआ था, वो मक्का से उत्तर में पेट्रा नाम का शहर था, वहां से स्टार्ट हुआ था। और इसके लिए जो एविडेंस दे रहे हैं वो काफी
सॉलिड एविडेंस है, हम उसे नकार नहीं सकते, और इट इज ऑलमोस्ट श्योर कि जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे इस पे स्कॉलरशिप बढ़ेगी तो ये जो आज तक का ट्रेडिशनल इस्लाम है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाएगी कि इतना बड़ा झूठ बोला गया कि जो चीज़ पेट्रा में स्टार्ट हुई थी उसे मक्का से बता रहे हैं, तो इस्लाम की जो जिन लोगों का बिजनेस इस्लाम पे डिपेंड करता है, मैं उन्हें दुकानदार बोलता हूँ इस्लाम के, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है इसमें। दूसरा, जो वेस्ट में अभी एक और काम चल रहा है वो ये नंबर ऑफ स्कॉलर्स इसमें कम है जो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि असलियत में मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बाद में क्रिएट किया गया है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आज से 300-400 साल पहले ये प्रूव किया गया था कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर है जिसे पिछले या कंटेम्प्रेरी एरिया के शुरू वाले 400-500 साल में चर्च के लोगों ने मिलकर बनाया, अलग अलग सोर्सेज से उसका जो डिस्कोर्स है वो बोरो किया गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वेस्ट में कोई भी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो जीसस क्राइस्ट को एज हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं पढ़ाती है। अब लगभग वही काम वो इस्लाम के साथ कर रहे हैं, उनका कहना यह कि मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। और इसमें जो सबसे आगे जो हिस्टोरियन जो इसके प्रोपोनेंट हैं वो हैं टॉम हॉलैंड, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप से मैं अभी तक कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। मेरा अभी तक ये मानना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक्चुअली व्यक्ति एग्जिस्ट करता था, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, बट ही वॉज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, तो मैं उसे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर मान के जो इस्लाम का ट्रेडिशनल नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग ही आज की डिस्कशन बढ़ाऊंगा। और इस नैरेटिव में मैं जहां जहां मक्का की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं ट्रेडिशनल डिस्कोर्स से ही डिस्कशन करूंगा, कल को जब ये प्रूव हो जाएगा कि वो पेट्रा था तो आप सिर्फ मक्का को पेट्रा से रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही चेंज आएगा। तो आई होप मैंने अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब मैं वापस बिल्कुल इस्लाम के बेसिक्स पे चलता हूं। अब जो इस्लाम के बारे में क्लेम किया जाता है, पहला क्लेम है कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम का व्यक्ति था, 570 में इसका जन्म हुआ, और जब तक ये 40 वर्ष का नहीं हुआ था, यानी सन 610 तक, ऐसा कोई क्लेम नहीं था कि वो कोई पैगंबर है, उसमें कुछ स्पेशल है। तो ये वाले जो 40 वर्ष हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन के, उनके बारे में हमें बहुत कम चीज़ें पता हैं क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं था। लेकिन फिर उसने क्लेम करना शुरू किया कि एक गॉड है अल्लाह नाम का जिसने उसे पैगंबर चुना है, और पैगंबर चुना है तो इसका मतलब वो मैसेजेस देगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम, जो ये अल्लाह है सातवें आसमान पे बैठता है, वो अपने मैसेजेस इस पैगंबर को ट्रांसमिट करेगा, लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं है, उसने बीच में एक इंटरमीडियरी चुना है जिसे इस्लाम वाले जिब्रील बोलते हैं। इसे इन्होंने जो बिब्लिकल आर्च एंजल गैब्रियल है उससे बोरो किया है। तो सातवें आसमान पे अल्लाह है, वो मैसेज देता है जिब्रील को, जिब्रील वो मैसेज देता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ही जिब्रील दिखाई देता है, उसी को ही सुनाई देता है, और किसी को ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। तो जो मैसेज वहां से आया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे रिपीट करेगा, उसके आसपास के जो लोग हैं या तो उसे याद कर लेंगे और या उसे जो भी उनके पास सरफेस अवेलेबल होगा उस पर लिख लेंगे। इन मैसेजेस को कुरान कहा जाता है, और ये मैसेजेस एक साथ नहीं आए थे, 610 से लेके लगभग 632 तक, अगले 22-23 साल भर तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जीवित है, और इन 22-23 वर्षों में जो अल्लाह के मैसेजेस हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में आते रहे हैं। लोग उनको अलग अलग सरफेसेस पे नोट करते रहे, कहीं पत्थर पे नोट किया, कहीं चमड़े पे नोट किया, कहीं पत्तों पे नोट किया, और फिर ये जो मैसेजेस हैं इनको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मरने के लगभग 22-23 वर्ष बाद इकट्ठा करके कुरान बनाया गया है। तो ये है कुरान, जिसे होली बुक माना जाता है। और अकॉर्डिंग, अगर हम इस सारे को एट फेस वैल्यू ले लें, अभी हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम सारा कुछ फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को चुना गया था, उसके पास ये मैसेजेस आते थे, तो ये मैसेजेस अल्लाह नाम के गॉड के थे। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट सोर्स, ये सबसे पहला सोर्स है इस्लाम का जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब उसके सारे जीवन में तो हर टाइम तो आ नहीं रहे थे,
मान लीजिए 24 घंटे का दिन है, तो हो सकता है एक दिन में 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए मैसेजेस आए हैं, तो बाकी के जो 23 घंटे और 40 मिनट हैं, उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो भी कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उनको कुछ लोगों ने नोट किया। वो जो नोट किया गया है उनको रिकॉर्ड किया गया कुछ किताबों में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 632 में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, और उसके मरने के लगभग 100 साल बाद लोगों को ये माइंड में आता है कि अगर वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी था, अगर वो पैगंबर था, तो हमें उसके बारे में और नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर सुनना शुरू किया, लोगों के से पूछना शुरू किया कि भाई किसने बताया था। कि मान लीजिए मोहम्मद के जीवन काल में कोई बच्चा था 10 वर्ष का, अब वो 100 वर्ष का हो गया, या 110 वर्ष का है, या 120 वर्ष का है, तब लोग ज्यादा लंबा जीवन जीते थे, या किसी का पोता अब जीवित है, उसने अपने दादा से कहानी सुनी है, तो इस तरह की कहानियों को कलेक्ट किया गया। तो ये इन्हें टेक्निकली आप रिपोर्ट बोलेंगे, अरबी भाषा में इसे हदीस कहा जाता है, और प्लूरल इसका अहादिस होता है। तो इन हदीसों को रिकॉर्ड किया गया। ध्यान ये रखना है कि मोहम्मद के मरने के 100 साल बाद से लेके 300 साल बाद तक ये हदीसों की कलेक्शन का काम चलता रहा, और ये जो किताबें हैं इन्हें हदीस या अहादिस कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस था काफी स्ट्रेच्ड आउट था, कि जैसे बहुत सारे कलेक्टर्स थे जिन्होंने हदीस लिखी है, और ऐसा माना जाता है कि जो दो मेजर डिविजन है इस्लाम की, शिया और सुन्नी, सुन्नी वालों में 200 से ज्यादा ऐसी कलेक्शन या ऐसी बुक्स थी जिन्हें हदीस कहा जाता था। इन 200 में से 6 ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, इन्हें सही सित्ता के नाम से कहा जाता है। तो ये अगला सोर्स है हदीस का, और इनमें भी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम है। अगर सही बुखारी का एग्जाम्पल लें, तो उसने अपने जीवन भर में जब हदीस इकट्ठी की, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 लाख हदीसें उसने इकट्ठी कर ली थी। फिर उसे लगा कि इनमें से जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उनको रिजेक्ट करके लगभग 2000 के आसपास की हदीस उसने रखी है, विच इज लेस देन 1%। तो इतना सारा उसमें से जो मटीरियल है उसको चर्न आउट किया गया है। तो जो सेकेंडरी सोर्स है हमारा वो हदीस है, और ये 6 किताबें हैं जिनको हम प्राइमरीली रिलाई करते हैं। और ये कुछ हद तक आपको कुरान की बैकग्राउंड बताती हैं, तो दैट मीन्स वो कुरान को कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक तरह से, और कहीं कहीं उसको रीइन्फोर्स भी करती हैं। ओके, अब तो ये 7 किताबें होंगी, 1 कुरान और 6 हदीस। लेकिन अगर आप कुरान को पढ़ने लगेंगे इसे समझने के लिए, तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड अगर जानना चाहते हैं तो वो मोहम्मद के जीवन में से निकलती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं कुरान के अंदर जो मोहम्मद के जीवन से रिलेटेड है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि उस टाइम क्या हो रहा था, तो कुरान आपके लिए उतनी सेंस नहीं बनाएगी। तो ये चीजें, अब आपको उसके लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो जीवनी है, उसे सीरत अल रसूल अल्लाह कहा जाता है, वो पढ़नी पड़ेगी। तो ये 8वीं किताब है। तो ये 8 किताबें हैं जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इस्लाम के। इनमें से अगर आप थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखें, तो 6 हदीस और बायोग्राफी, ये 7ों एक्सक्लूसिवली मोहम्मद को बिलोंग करती हैं, मोहम्मद के बारे में बताती हैं। और जो कुरान है, अगर हम, अब स्केप्टिसिज्म हो सकता है इसमें, आप उसमें इसकी समीक्षा कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने आप नकली बना लिए कुरान, फिर तो 8ों किताबें मोहम्मद की हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फेस वैल्यू पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई में अल्लाह नाम का व्यक्ति गॉड है, अब 8 में से 7 किताबें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की होंगी, और 1 किताब अल्लाह की हो जाएगी। तो स्टिल आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर 7 out of 8 है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 84% जो सिग्निफिकेंस है वो मोहम्मद का है इस्लाम के केस में। तो विच मीन्स के मोहम्मद सेंट्रल फिगर है पूरे के पूरे इस्लाम के लिए। ओके जी, अब इस बैकग्राउंड के साथ नेक्स्ट जो चीज है कि इस्लाम का मतलब क्या है। संसार भर में जितने पॉलिटिशियंस हैं, हमारे देश के भी उसमें इंक्लूडेड है, हर एक पॉलिटिशियन ये कहता है कि इस्लाम का मतलब शांति है, इस्लाम मीन्स पीस। तो यहीं से धोखेबाजी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप एटिमोलॉजिकली देखेंगे तो इस्लाम का मतलब पीस बिल्कुल नहीं है। इस्लाम का मतलब है सबमिशन, कि जो इस्लाम का गॉड है अल्लाह नाम का,
आपने उसको सबमिट करना है, जो मैसेजेस हैं उन्हें फॉलो करना है। तो ये एक बिलीव सिस्टम है। जब मैं स्टार्टिंग मैंने की थी कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस कि एक बिलीव सिस्टम है इस्लाम का। सनातन धर्म में बिलीव सिस्टम नहीं है, वो आपको अगर सनातन धर्म एक्सपीरियंस की बात करता है कि अगर आपके एक्सपीरियंस से वो चीज़ ठीक बैठती है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट करने के लिए आप यू आर फ्री टू रिजेक्ट इट। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं, क्योंकि आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपने अपनी हर एक चीज़, अपनी इंटेलेक्ट, अपना माइंड, अपनी बुद्धि सबमिट कर दी है। वो मैसेजेस आपको एट फेस वैल्यू वर्ड बाय वर्ड एक्सेप्ट करने हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह एक गॉड है। अब इसमें कहीं भी आप अगर एविडेंस मांगना शुरू करते हैं, मान लीजिए अब मैं एक काफिर हूं, मैं बोलता हूं कि क्या प्रूफ है कि सातवां आसमान होता है, तो मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूं, मैं अल्लाह के अगेंस्ट जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि प्रूव करो कि अल्लाह है, तो अगेन मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूं, तो फिर से मैं इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा हूं। अगर मैं ये बोलता हूँ ये प्रूव करो कि जिब्रील नाम का कोई एंजल था, तो भी गलत है, ये भी एक्सेप्ट करना है। तो ये सारे के सारे बिलीव्स हैं, इनको आपको मान के चलना है। फिर वो जो गॉड बैठा था उसने इसको पैगंबर चुना था, ये भी बिलीफ सिस्टम है, ये भी आपको मान के चलना है। कहीं पर एविडेंस नहीं है इसका। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस्लाम में जो कुरान है उसका एविडेंस क्या है, मोहम्मद पैगंबर था उसका एविडेंस क्या है। तो यहां पर अगर आप इस्लाम का लॉजिक सुनेंगे इस्लाम के दुकानदारों से, तो एक सर्कुलर लॉजिक है कि इस्लाम कुरान पे विश्वास क्यों करो, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है। मोहम्मद पे विश्वास क्यों करो, क्योंकि कुरान ने कहा है। तो ये ऐसे चलता है, इसमें आप अपना इंटेलेक्ट नहीं यूज कर सकते, करते हैं तो वो आप एक क्राइम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि हम जब मैंने कहा कि मैं सिर्फ जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, अब जो आपको बायोग्राफीज मिलती हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, सीरतुल रसूल अल्लाह जो मिलती है, वो भी दो कैटेगरीज में है। एक वो है जो बिल्कुल इंटेलेक्ट के बेस पे चलती हैं, दूसरी वह जिन्हें आप हेजियोग्राफीज कह सकते हैं, जो एक बढ़ा चढ़ा के कि ज्यादा ही उसमें एक डिवाइन इंटरवेंशन डालने की कोशिश करते हैं, वो किताबें हैं जिन्हें बायोग्राफी कहा जाता है। एक्चुअली उन्हें हेजियोग्राफी कहा जाना चाहिए। मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ इसके। कुछ लोग ये बताने की ट्राई करते हैं कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जन्म होना था, तो उससे लगभग 1000 साल पहले तक आसमान में एक लाइट घूम रही थी, ये ढूंढने के लिए कि किस महिला में ये जाएगी तो वहां से मोहम्मद का जन्म होगा। अब ऐसा क्योंकि हमें कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता और हमारी जो सहज बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो इसे विश्वास नहीं करता, तो हम इसे इसको अपने नैरेटिव में नहीं लेंगे। दूसरा, आज इस्लाम में और स्पेशली मुसलमानों में एक सुन्नत का ट्रेडिशन है कि वो सरकमसाइज करते हैं। जो जितनी बायोग्राफीज हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, उनमें कहीं पर आपको ऐसा कोई इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सरकमसाइज किया गया हो। तो कुछ हेजियोग्राफीज हैं वो ये बोल देते हैं कि वो जब उसका जन्म हुआ था तभी से सरकमसाइज था। तो फिर से क्योंकि हमारे इंटेलेक्ट को ये सूट नहीं करता, तो हम उसे एक्सेप्ट करके नहीं चल रहे, वी आर रिजेक्टिंग दिस पोर्शन। हम सिर्फ जो इंटेलेक्चुअली एक्सेप्टेबल है हम उसी चीज पे चलेंगे। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जन्म हुआ 570 में, तो उसके जन्म से पहले ही उसके जो पिता थे अब्दुल्ला, उनकी मौत हो चुकी थी। जब जन्म हुआ, इनकी माँ का नाम था अमीना। तो वहां पर एक ट्रेंड ये होता था कि बच्चों को, जो आसपास के कबीले होते थे जिन्हें बेदून या बद्दू कबीले कहा जाता है, उन महिलाओं के पास भेज दिया जाता था, वहीं उन्हें अपना दूध पिलाती थी और वहीं पाल पोस कर बच्चे बड़े होते थे। तो इसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी एक कबीले में भेज दिया गया। तो वहां पर जो ये पति पत्नी थे जो इसे पाल रहे थे, वो एक दिन घबरा के, जब इसकी आयु लगभग 4-1 वर्ष की हो जाती है, तो आते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे बेहोश हो गया था बच्चा, तो इसलिए हमें थोड़ा डर लगता है, तो हम इसे वापस करने आए हैं। तो माँ ने समझा बुझा के फिर से भेज दिया। तो फिर कुछ समय वो रखते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब ये लगभग 5 वर्ष का होता है, वापस कर जाते हैं। अब जो इस्लाम वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी उस समय इसको कुछ खास चीज थी, क्योंकि गिफ्टेड व्यक्ति था इसलिए ऐसा हो रहा था। जो न्यूट्रल स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल विलियम मुयर है, हालांकि न्यूट्रल बोलना नहीं चाहिए, वो एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे, लेकिन एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए, बायस हो सकता। तो उनका ये कहना है कि
ये जो फिट्स थे ये एपिलेप्सी के फिट होते थे, उसमें ये फिट बैठ सकता है। तो हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन इट मेक्स मोर सेंस, तो हम इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जब अगले वर्ष यानी जब 6 वर्ष की आयु हो गई मोहम्मद की, उस समय इसकी पत्नी सॉरी इसकी जो माँ है अमीना, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो चाचा है अबू तालिब और दादा है, वो दोनों मिलके इसे पालना शुरू करते हैं। दादा का नाम था अब्दुल मुतल्लिब, तो दो लोग इसे पालना शुरू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये 8 वर्ष का होता है यानी 2 वर्ष बाद ही दादा की भी मृत्यु हो जाती है, तो अब केवल चाचा है जो पाल रहा है। एक जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो कुरैशी कबीले को बिलोंग करते थे, और उसमें भी जो हाशमी क्लैन था उसके पार्ट थे। अब हाशमियों को आप इमेजिन करके देखिए कि रेगिस्तान में एक काबा नाम का मंदिर है, जिसके अंदर और जिसके आसपास 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और अब क्योंकि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो उनका ध्यान भी रखना है, तो जो हाशमी कबीला था उनका काम था इनका मूर्तियों का और मंदिर का ध्यान रखने का। और स्पेशली जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पूर्वज थे, उनकी ड्यूटी थी कि जो तीर्थ यात्री आएंगे, जब मैं तीर्थ यात्रियों की बात कर रहा हूँ, तो जो हज मनाया जाता है, उमरा मनाया जाता है, दो ट्रेडिशंस हैं आज इस्लाम की, ये दोनों इस्लाम से पहले से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनको इस्लाम ने शुरू किया था, ये पहले से वहां पर ट्रेडिशंस थी, लोग वहां आते थे। और क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में आते थे, पानी पिलाना क्योंकि पुण्य का काम है, इसलिए इस फैमिली, क्योंकि ये फैमिली अच्छा काम कर रही थी, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट थी वहां पर। तो बाय द टाइम मोहम्मद का जन्म होता है, तो जो इसका चाचा है अबू तालिब, वो गरीब तो है लेकिन रिस्पेक्ट अभी भी उसकी पूरी की जाती थी समाज में। तो अब ये इनकी बचपन या उनकी बैकग्राउंड हम ऐसे मान के चलते हैं। 40 वर्ष की आयु जब होती है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, तब इसने पहली बार ये क्लेम करना शुरू किया कि मैं पैगंबर। ये आज की डिस्कशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, आप भी अगर कभी पढ़ेंगे, जो प्री इस्लामिक अरेबिया, इस्लाम से पहले जो मक्का पेट्रा या अरेबिया का जो आपको समाज दिखाई देता है, वो आज की हमारी सोसाइटी को ऑलमोस्ट मिरर करता है, ऑलमोस्ट वैसा है। कि हमारे समाज में क्या है, एक ही घर में एक राम को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, दूसरा किसी तीसरा किसी को भी नहीं मान रहा, चौथा काली की पूजा कर रहा है, सारे एक्सेप्टेबल है। आप किसी गांव में जाते हैं तो हर गांव का इष्ट देवता अलग है। लगभग ऐसा ही प्री इस्लामिक अरेबिया में था, बिल्कुल खुला खुला एटमॉस्फेयर जैसा हमारे यहाँ है। आज का अरेबिया आप प्री इस्लामिक अरेबिया से एकदम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब जैसे आप इसे ऐसा कल्पना कीजिए कि आपके गली मोहल्ले में कोई एक आदमी एक दिन खड़ा हो जाए और ये बोले कि आज के बाद जो विष्णु के मैसेजेस हैं वो मेरे थ्रू आएंगे, विष्णु अकेला भगवान है, शिव बेकार है, राम बेकार है, कृष्ण बेकार है, इनकी पूजा नहीं करनी तुम लोगों ने, तो बाय एंड लार्ज आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपको पहली बार थोड़ा सा शॉक लगेगा कि क्या नॉनसेंस है, और डिपेंडिंग ऑन उसके सोशल स्टैंडिंग कैसी है, आप ये सोच सकते हैं कि आदमी पागल हो गया, या आप उसको सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं कि पागल है, इसे इग्नोर करो, इसको हमने क्या समझना है। तो ऐसा ही रिएक्शन मक्का वालों का था जब इसने ये, अब वहां पर आसपास कुछ पहाड़ों में गुफाएं हैं, वहां पर लोग मेडिटेशन के लिए जाया करते थे, ध्यान लगाने जाते थे, तो मोहम्मद भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वहां जाया करता था। तो उसका क्लेम ये है एक दिन कि जब वो 40 वर्ष का हुआ था तो वहां पर इसे कुछ दिखाई दिया कि कुछ फीट की दूरी पर हवा में एक कुछ है जो हवा में खड़ा हुआ और इसे कुछ कह रहा है, तो डर के भागा वहां से। तो अब अपनी पत्नी के पास आया, पत्नी इससे लगभग 25 साल बड़ी थी, खदीजा नाम था उसका। तो जिस समय इसको पहला ये इंसिडेंट होता है, ये 40 वर्ष का है और जो खदीजा है वो 65 वर्ष की है, तो उसे पूछती है क्या हुआ, तो बताता है कि ऐसे मैंने किसी को देखा था। तो उसे थोड़ी सी सांत्वना देती है, वो समझाती है कि चिंता मत करो कि हो सकता है तुम पैगंबर हो, तुम्हें पैगंबर चुना गया।
अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि पैगंबर चुना गया है या पैगंबर की कंसेप्ट तो वहां थी नहीं, जैसे हमारे देश में पैगंबर की कंसेप्ट नहीं है, और अगर कोई सिर्फ ये कह ही दे कि विष्णु के मैसेजेस इस एक आदमी के थ्रू आएंगे, तो हमें वो बिल्कुल बचकानी सी हरकत लगेगी। कि अगर सच में कोई भगवान है तो सर्वशक्तिशाली है, अगर उसने मैसेज देना है, और अगर इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सबको देना है, तो सबसे आसान तरीका है वो आसमान में ही लिख देंगे कि भाई ये मेरा आज का मैसेज है, थॉट फॉर टुडे ये है मेरी। या आज की डेट में देखें तो सबको ईमेल आ जाएगा कि भाई ये मेरा मैसेज है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, राइट? तो ये जो पैगंबर की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठती, हमें बिल्कुल बचकानी सी लगती है, तो एग्जैक्टली वहां भी वैसा ही हो रहा था। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कंसेप्ट वहां पहुंचती कैसे है। इसके लिए हमें उस टाइम का हिस्टोरिकल नैरेटिव समझना पड़ेगा। आज जो संसार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आज से सिर्फ 2000 साल पीछे जाएं, 2000 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा जो मानवता ही है वही लाखों वर्ष पुरानी है, तो 2000 वर्ष कुछ भी नहीं होता उसके लिए। तो 2000 साल पहले संसार भर में आइडेंटिटी नाम के आइडेंटिटी बेस्ड रिलीजन नहीं होते थे, जैसे हमारा ही है जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि एक हिंदू और एक नॉन हिंदू है, ये अस वर्सेस देम या मी वर्सेस नॉन मी, ये बाइनरी नहीं थी। ये बाइनरी शुरू की क्रिश्चियनिटी ने, चर्च ने अब इसे शुरू किया। 325 में पहली जो इनकी एक्यूमेनिकल काउंसिल होती है वहां से इसने फैलना शुरू किया, और धीरे धीरे अब ये मेडिटेरेनियन रीजन से बाहर निकल रही है, अरेबिया उसके पास में है। तो जिस समय मोहम्मद का जन्म हो रहा है तो इनके आसपास कुछ क्रिश्चियंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहूदी दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करके देखिए कि जो तो सनातन धर्म है बिल्कुल ओपन सिस्टम है, कि मैं किसी भगवान को नहीं मानना चाहता, मैं बोलता हूं कि मेरे लिए तो गंगा माँ, गंगा मेरी माँ है और मैं उसी को पूजता हूं, या एक पीपल का वृक्ष है मैं उसी की पूजा करता हूं, तो एक्सेप्टेबल है ना। मुझे कोई तलवार लेके मेरा सिर काटने आने वाला है, ना ही कोई मुझे बाहर निकालने वाला है। मैं पत्थर की पूजा कर सकता हूं, मैं मूर्ति की पूजा कर सकता हूं, किसी की भी नहीं कर सकता, मैं अग्निकुंड जलाकर मैं सिर्फ हवन कर सकता हूं, सारा कुछ एक्सेप्टेबल है। अब अगर सारा कुछ एक्सेप्टेबल है तो लोग ये कर क्यों रहे हैं? हर मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति जिसका इंटेलेक्ट थोड़ा सा भी काम करता है, उसके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब वो सोचता है कि हम यहां क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों हैं यहां पर। क्योंकि ये जब मैं 19-20 वर्ष का था मेरे माइंड में भी आते थे, तो आई होप कि वैसे ही सब लोगों के माइंड में भी आते हैं, विच मीन्स कि एक नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर नेचुरल टेंडेंसी है तो मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं वो नदी के साथ भी कर सकता हूं, मैं पेड़ के साथ कर सकता हूं, मैं पत्थर के साथ भी कर सकता हूं, मैं सूर्यदेव को जल अर्पित करके उसमें से भी संतुष्ट हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और श्रूड बिजनेसमैन हूं, तो मुझे ये समझ में आएगा कि इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, जो स्पिरिचुअल मार्केट मान सकते हैं वैसे, कि लोगों को मेटाफिजिक्स चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, कोई गॉड चाहिए, कोई गॉड फिगर चाहिए, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अभी तक सिस्टम बिल्कुल ओपन है कि जो चाहे पहाड़ पे चला जाए, जो चाहे नदी पे चला जाए, कैसे भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसे मोनोपोलाइज कर लूं कि जो गॉड है वो सिर्फ चर्च में ही मिलेगा, तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना आसान ये अभी भी नहीं है। तो चर्च क्योंकि बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बाइबल में क्या डाल दिया कि जो सूरज की, चांद की, तारों की पूजा करता है वो गॉड से चीट कर रहा है, तो उसको मार दो। विच मीन्स कि आपने अपनी दुकान सजा ली चर्च के नाम पे और बाकी सारों की दुकान बंद करानी है, तो बाकी सब दुकानें बंद हो जाएंगी, आपके पास मोनोपोली हो जाएगी। तो मोनोथीज मोनोपोली पे काम करता है। अब ये क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे क्योंकि अरेबिया तक पहुंच रही है, तो मोहम्मद के आसपास भी कुछ थोड़े बहुत क्रिश्चियंस दिखाई दे रहे हैं और कुछ ज्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहूदी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी स्मार्ट आदमी था, हम जानते हैं कि वो स्मार्ट था, तो ही मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दीज थिंग्स। उसने देखा होगा कि दो तरह के बिल्कुल अलग सिस्टम है, कि मक्का वालों का एक बिल्कुल ओपन आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ओपन सिस्टम है,
और ये जो नया सिस्टम मेडिटेरेनियन से चल के आ रहा है, ये एक एक्सक्लूसिविटी वाला सिस्टम है। तो अब ये मेरा कंजेक्चर है, मेरी अपनी ओर से इंटरप्रिटेशन है ये, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसने इसी पैटर्न पे इस्लाम को शुरू किया। जब वो उस गुफा में जाता है और बोलता है कि पैगंबर है, मैंने वो मुझे कह रहा है कि कुछ रीड करो, तो उसकी जो श्रीमती है वो बोल रही है कि तुम्हें शायद पैगंबर चुना गया है, क्योंकि खदीजा का जो भाई था वो क्रिश्चियन था। तो दैट शुड टेल यू कि कैसे एक ओपन सिस्टम के अंदर ये पैगंबरवाद वाला सिस्टम पेनिट्रेट कर रहा है। अच्छा, अब अगर आपको नई दुकान, नया सिस्टम शुरू करना है, तो आपको पुराना रिजेक्ट करना जरूरी है। आज अब अनफॉर्चुनेटली यहां पर हम इंटरेक्टिव सिस्टम में नहीं बैठे हैं, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी साइट है इस्लाम की, तो सारे ऑटोमेटिकली आंसर देंगे मक्का और काबा, राइट? लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस्लाम शुरू किया था, उस समय काबा की और मक्का की कोई वैल्यू नहीं थी। जो बाकी सारे लोग हैं वहां पर, वो सारे काबा मंदिर में जाते हैं, उन मूर्तियों को माथा टेकते हैं, लेकिन क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस्लाम शुरू कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मूर्तियां बेकार हैं, ये देवता देवियां सब बेकार हैं। जो क्योंकि उसके ऊपर जुड़ा एक इन्फ्लुएंस, जो यहूदियों वाला इन्फ्लुएंस ज्यादा था, उसने बोला कि जो जेरूसलम है उधर को मुंह करके नमाज की जाएगी। अब नमाज भी हमारे देश में कहा जाता है, अरेबिया में से सलात कहा जाता है। तो उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और स्टार्टिंग में वो काबा में ही खड़ा होकर जेरूसलम की ओर मुंह करके उधर को सलात किया करता था। तो विच इज, आप इसको इमेजिन करके देखिए कि ऐसा टाइम था कि वो उसी काबा को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसी को बुरा भला कह रहे हैं, और जेरूसलेम की ओर मुंह करके वहां का सम्मान करते हुए उधर को सलात कर रहे हैं कि ये नया सिस्टम है। और ये सारे का सारा पैटर्न जूडाइज्म को फॉलो करके चल रहा था। फिर इसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनिशियली जब इसने क्लेम करना स्टार्ट किया कि ये नया रिलीजन है, आई हैव बीन चोजन द प्रॉफिट फॉर दिस, तो एक तो इसकी पत्नी थी, उसने एक्सेप्ट किया, तो उसे माना जाता है कि सबसे पहली कन्वर्ट होने वाली जो ह्यूमन बीइंग है और स्पेशली जो फीमेल है वो खदीजा थी, उसे पहली मुस्लिमा कहा जाता है। और जो पहला मेल कन्वर्ट होता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बाद, वो इनका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चाचा का बेटा, अबू तलिब का बेटा है अली, इससे काफी छोटा है वो, तो वो फर्स्ट मुस्लिम माना जाता है। तो ये जो अर्ली कन्वर्ट्स हैं वो या तो मोहम्मद की फैमिली के हैं या उसके गुलाम हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि मक्का वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। जो मजनूगढ़ आप सुनते हैं, मजनू का अर्थ अरबी भाषा में पागल होता है, और मोस्टली लोग इसे मजनू कहने लग गए थे कि ये तो पागल है। अब उनका मेन ऑब्जेक्शन क्या था कि हमारे देवी देवताओं को बोल रहा है। अब मेरे सामने अगर कोई बोलता है कि कृष्ण तो ऐसे बेकार थे, तो हो सकता है मैं उसके साथ थोड़ा सा आर्ग्यू करूं कि भाई तू क्यों बोल रहा है, गलत बात है, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा, तो मुझे पता है कि अगर ये गलत है तो ये सफर करेगा, मुझे इसको मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परसिस्ट करता रहेगा तो हम इरिटेट जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ हो रहा था। उसने सभी को कहना शुरू किया कि तुम्हारे देवी देवता बेकार हैं, तो लोग उससे इरिटेट हो रहे थे। और जो उनका एक तर्क था, वो तर्क क्या था, इसने जुडाइज्म के अकॉर्डिंग क्लेम करना शुरू किया कि एक दिन कयामत आएगी। तो वो कयामत का डिस्क्रिप्शन बड़ा ग्राफिक सा है कि मुर्दे हैं अपनी कब्रों में बंद है, वो सारे मुर्दे बाहर निकलेंगे, खड़े होंगे, उनको दो लाइनों में बांटा जाएगा और फिर उनके जो डीड्स हैं वो पढ़े जाएंगे के ऊपर, जो अल्लाह उसके पास एक रजिस्टर है जिसमें सब मेंटेन किया जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, आज हम ऐसा बोलते हैं कि हम 7.5 अरब लोग हैं धरती पे, और कितनी जनरेशन पीछे निकल चुके हैं, तो कई अरबों में, कई खरबों में लोग हो जाएंगे। अगर वो सारे रिजरेक्ट हो सकते हैं और उनको दो लाइनों में बांटना है, तो आप इमेजिन करके देखिए कितनी लंबी लाइन होने वाली है।
और फिर उनका रोल कॉल वाला सिस्टम वैसे ही है कि एक फरिश्ता बोलेगा, फलाने का नाम लेगा, वो फिर उसे बुलाया जाएगा। तो आप कल्पना करके देखिए कि अगर कोई आदमी उस लाइन में खड़ा है और वो 400 करोड़ लोगों से पीछे खड़ा है, उसको आवाज लगाई जाएगी तो उसे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारे का सारा बहुत इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। लॉजिस्टिकली इसको वेरीफाई करना, इसको वेरीफाई नहीं एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। तो मक्का वाले यही क्वेश्चन पूछते थे कि भाई किस तरह होगा जो तू बातें बोल रहा है, हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनती। फिर उनका दूसरा वो यही कहते थे कि हमने लाश डाल दी अंदर, अब वो तो जल के मिट्टी हो जाएगा, अब ये मिट्टी से कैसे फिर मुर्दा खड़ा होगा। तो वो इसका मजाक उड़ाते थे। तो ये दो मेजर रीजन थे उनके इसका मजाक उड़ाने के, विच जो मेरे ख्याल से उनका बिल्कुल परफेक्टली वैलिड रिस्पॉन्स था। लेकिन अगर आप इस्लाम के दुकानदारों से बात करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये बेचारे भोले भाले थे और इनको परसिक्यूट किया जाता था, इनको यातनाएं दी जाती थी, इनको प्रताड़ित किया जाता था। ये प्रोपेगेंडा का सबसे कॉमन टूल होता है कि आप अपने जो ओपोनेंट है उनकी छोटी सी गलती को भी बहुत मैग्नीफाई करके दिखाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी छोटा करके दिखाते हैं। कि आप उनके देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, वो सह रहे हैं, उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो जब रिएक्शन में सवाल भी पूछते हैं, या ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जिन्होंने किसी को मारा भी होगा, ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूट नहीं किया होगा, हो सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके बताया जाता है। तो ये था मक्का वालों का रिस्पॉन्स। अब ये ट्राई करता रहा कि मेरी बात माने, कोई मेरे साथ कन्वर्ट हो, लेकिन इनिशियली इसकी फैमिली के लोग कन्वर्ट हुए, जो अपने गुलाम थे वो कन्वर्ट हुए क्योंकि गुलाम प्रथा थी वहां पर, वो भी कन्वर्ट हो गए। इसका एक खास दोस्त था अबू बकर नाम का, काफी रिच बिजनेसमैन था, वो कन्वर्ट हो गया। फिर उसके पैसे यूज करके जो औरों के गुलाम थे उनको गुलामी से छुड़ा लिया जाता था, उन्हें भी कन्वर्ट कर लेते थे। तो ये प्रोसेस चला लगभग 12-13 वर्ष, 610 से लेके 622-23 तक ये प्रोसेस चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती। अलग अलग नंबर्स हैं, कुछ का मानना है कि 50 और कुछ का मानना है 90। तो 50 और 90 के बीच में नंबर वेरी करता है जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। ये नंबर इतना छोटा क्यों है? क्योंकि उस समय का कल्चरल सेंटर था काबा, आसपास से लोग आते थे, वहां हर साल कई बार मेले लगते थे, उन मेलों में ये जा जाकर अपने आप को पैगंबर क्लेम करता था, क्योंकि उस समय कोई लाउड स्पीकर माइक कुछ नहीं होते थे, कविताएं बोलना इस तरह से लोगों की एंटरटेनमेंट होती थी। तो ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द पर्सन जो ओपनली वहां जाके क्लेम करता था, मैं पैगंबर हूं और मुझे फॉलो करो। तो एज अ रिजल्ट ये ज्योग्राफिकली काबा या मक्का छोटा हो सकता है, लेकिन क्योंकि चारों ओर से लोग आते थे वहां पर, तो वर्ड वॉज स्प्रेडिंग आउट, और स्टिल क्योंकि नंबर 100 से छोटा है तो इट वॉज नॉट अ वेरी ग्रैंड सक्सेस। अगर मैं सभ्य भाषा में बोलूं तो इट वॉज नॉट अ ग्रैंड सक्सेस। ओके, अब मक्का कंपैरेटिवली वेल्दी है, कंपैरेटिवली लिटरेट है, और मक्का से नॉर्थ में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर मदीना है। उन दिनों इसे मदीना नहीं कहा जाता था, इसका नाम यसरीब या यथरीब होता था। वहां पर लोग कम पढ़े लिखे थे तो वो भी इन मेलों में आया करते थे, तो वहां से कुछ 20-30 लोग ऐसा माना जाता है कि वहां कन्वर्ट हो गए थे। अब यथरीब की सिचुएशन क्या थी? वहां पर तीन मेजर बड़े बड़े ज्यूज के ट्राइब्स थे, ज्यूज कबीले थे वहां पर, और जो यसरीब की आउटस्कर्ट्स में तीन कबीले बना के, तीन अपने एक तरह से आप किले बना के बोल लीजिए, रहते थे वहां। और जो मेजर पॉपुलेशन थी यसरीब की, वो हमारे जैसी या मक्का वालों जैसी कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन क्योंकि जो यहूदी हैं या ज्यूज हैं वो भी कन्वर्ट नहीं करते, तो देवर लिविंग पीसफुली, कंपेरेटिवली पीसफुली, लड़ाई झगड़े वहां होते रहते थे। और वहां पर दो मेजर फैक्शंस बने हुए थे, दो ज्यूश ट्राइब और कुछ कबीले एक साइड पे थे, एक ज्यूश ट्राइब और बाकी के कबीले दूसरे ग्रुप में थे, इनकी आपस में लड़ाइयां होती थी। तो यसरीब वॉज नॉट वेरी पीसफुल, वहां पर उन्हें एक लीडर की जरूरत थी, देर वॉज अ सॉर्ट ऑफ वैक्यूम ओवर देयर। तो वहां कुछ लोगों ने, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपको फॉलो करते हैं, हम
हम यसरी में इसे प्रॉपिगेट कर सकते हैं, अगर आप वहां आ जाएं तो इट विल बी वंडरफुल। लेकिन घर छोड़ के माइग्रेट करना कोई आसान काम नहीं होता, तो ही वॉज रिलक्टेंट। तो ये जो 12-13 वर्ष ट्राई किए, सक्सेस नहीं मिला। फिर मक्का से ही लगभग 100 किलोमीटर के अंदर अंदर एक और शहर था ताइफ नाम का, अगेन अ वेरी प्रॉस्परस टाउन, आज भी है वो। तो वहां पर भी इसने ट्राई किया कि अगर ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टिल इट विल बी गुड। तो वहां जाता है, उनसे बात करता है, तो लोग पत्थर मार मार के भगा देते हैं कि हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो ही इज अगेन रिजेक्टेड। तो अल्टीमेटली ही प्लान्स टू शिफ्ट ओवर टू मदीना, कि मैं मदीना जाऊंगा, वहां पर आई हैव अ बेटर डील। जब शिफ्ट करना है तो उससे 2-4 महीने पहले, विद इन 6 मंथ्स, जो चाचा है अबू तालिब वो मर जाता है, और जो पत्नी है खदीजा वो मर जाती है। तो दो मेन पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ अब इसके पास नहीं रहते हैं। तो ये माइग्रेट करके शिफ्ट करता है यसरीब में, और जो मदीना है ये अरबी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी। तो क्योंकि लोगों ने शब्द बोलना शुरू किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैज मूव्ड ऑन टू सिटी, बोलना था मदीना बोल दिया, तो यसरीब का नाम मदीना पड़ गया। और ये जो माइग्रेशन है मक्का से मदीना की, इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे हिजरत कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज हिजरत। तो अब इन्होंने शिफ्ट करके अपना हेडक्वार्टर बनाना था यसरीब में या मदीना में। हाँ, इसमें कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस बेस पे बोल रहे हो कि मदीना कम पढ़ा लिखा था और मक्का ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसका एविडेंस हमें कुरान में भी मिल जाता है और इनकी बायोग्राफी में मिलता है, कि एक बार इन्होंने जब मदीना शिफ्ट किए तो मक्का वालों को बंदी बना लिया, तो पैसे लेके छोड़ रहे थे, तो जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें स्पेशली बोला गया कि तुम अगर 10-10 मदीना वालों को पढ़ा दोगे, एजुकेट कर दोगे, तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो नाउ जब ये वहां शिफ्ट करते हैं तो साथ में कई सारे फॉलोअर्स लेके वहां पहुंचते हैं। वहां ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से प्रोपेगेशन का काम चल रहा था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए घर बनाया जाता है वहां पर, तब जैसे सिस्टम था कच्चा घर बना दिया, बाकी लोग थे वो किसी किसी के साथ सेटल होते जा रहे थे। अब पहला जो 1-1.5 वर्ष है, ऑलमोस्ट 12 to 18 months, वहां पर ये सब सेटल होने में टाइम लगाते हैं। वहां पे एक मस्जिद बनाई जाती है और फिर उस मस्जिद में सलात या नमाज शुरू हो जाती है। अभी भी जेरूसलेम की ओर मुड़के ही कर रहे हैं। अब यहां पर एक मतलब छोटी छोटी इंसिडेंट्स होनी स्टार्ट होती हैं, कि जो यहूदी हैं, अब सारे का सारा इसका ऑलमोस्ट 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष से ये बोल रहा है कि मैं पैगंबर हूं, पहले मुझसे पहले क्रिश्चियंस के पास भी किताब आई है, ज्यूज के पास भी किताब आई है, अब ये नई किताब है जो कुरान है। और यहूदी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई एक आधा कन्वर्ट हुआ है, बाकी कन्वर्ट नहीं हुए। जब ये शिफ्ट करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, अब क्योंकि मस्जिद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उसमें मेहराब कहाँ रखी जाएगी। मेहराब होती है कि जिस तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ेंगे या सलात करेंगे, वो हमेशा उधर को डायरेक्शन होती है, जिसे उस डायरेक्शन को कहा जाता है किबला। आज आप जहां पर भी मस्जिद देखेंगे अपने आसपास, उसमें जो चारों दीवारें हैं, एक दीवार में मेहराब बनी होती है, मेहराब या निच बोल सकते हैं आप उसे, वो बताती है कि आपने इस तरफ को मुंह करके पूरी नमाज करनी है। आज उसका मुंह काबा की तरफ किया जाता है। तो जब ये नई मस्जिद बना रहे थे तो अब उसका मुंह जेरूसलेम की ओर करना था, तो क्योंकि यहूदी उसके लिए एक्सपर्ट थे तो उनसे पूछा होगा, तो यहूदी फिर मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारा पैगंबर तो बना फिरता है लेकिन किबला की तरह इसे हमसे पूछना पड़ता है। अब ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि जो लीडर है, अगर उसकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। अब और वैसे भी क्योंकि ज्यूज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम थी कि जो सारा जीवन मक्का में काबा के आसपास रह के आए थे, उनकी एक नेचुरल एफिनिटी थी वहां के लिए। तो अब सिचुएशन क्या है कि ज्यूज हैं जिनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा,
जो जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है उनके अफेक्शन जेरूसलेम की ओर नहीं है, उनकी अफेक्शन काबा की तरफ है। तो अब क्या होता है कि जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का, वो नई आयतें उतारता है कि तुम अपना किबला चेंज कर सकते हो। अभी आयतें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपके साथ इनको शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20। जिन लोगों पर हमने किताब नाजिल की है, यहूदी और ईसाई, वो तो नबी मोहम्मद को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हो, पर जो भटके हुए हैं वो नहीं मानते। अब ये जो छठा चैप्टर है उस टाइम का है जब ये अभी मक्का में रह रहा था। ये मैंने आयत यहाँ इसलिए कोट की है कि इसका जो सारी की सारी एफर्ट थी वो यहूदियों को और क्रिश्चियंस को अपनी ओर मिलाने की थी। इसलिए आपको जो मक्का के टाइम की कुरान है उसे मक्किया कुरान कहा जाता है, और जो आयतें उन्हें मक्किया आयतें कहा जाता है। उनमें आपको ये ट्रेंड दिखाई देगा कि बार बार अपील की जा रही है ज्यूज से और क्रिश्चियन से कि ये नया पैगंबर आया, तुम इसको फॉलो करो। नेक्स्ट ये देखिए जरा, चैप्टर नंबर 26 है, मैंने थोड़ा सा ही पोर्शन लिया है। और ए नबी, अब ये जो नबी वर्ड बार बार आ रहा है ये भी जूडाइज्म से बोरो किया है। वहां पे जो प्रॉफिट्स हैं उनके लिए टर्म नेवेम यूज की जाती है, तो नेवेम से नबी शब्द बना है। और ए नबी, शक नहीं कि ये कुरान सारी दुनिया के मालिक अल्लाह ने नाजिल की है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहां पर आप इसको ऐसे देखना कि जो क्लेम क्या है कि एक किताब है कुरान जो अल्लाह के पास है साथ में आसमान पे, और वो ये मैसेजेस दे रही है, और ये परमानेंट बुक है, लोहे महफूज कहा जाता है कि दिस इज परमानेंटली एनग्रेव्ड बुक, और वो कह क्या रही है, और ए नबी शक नहीं कि ये कुरान सारी दुनिया के मालिक अल्लाह ने नाजिल की है। तो अल्लाह थर्ड पर्सन में बात करता है और बार बार ये रीइन्फोर्स करने की ट्राई करता है कि अल्लाह ने नाजिल किया, इस पे शक मत करो। तो मतलब इसे इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स कहना चाहिए, नहीं आई डोंट नो, लेकिन आपको रिफ्लेक्ट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, जिसे एक फरिश्ता साफ अरबी जबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाजिल हुए हैं ताकि तुम भी पहले के पैगंबरों की तरह लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ, और बेशक यही खबर और पैगंबरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या उनके लिए कोई काफी निशानी नहीं है कि इसको उलेमा बनी इसराइल जानते हैं। अब फिर से देखिए, सारे का सारा क्लेम वही है कि पहले वाली किताबों से मैच कर रहा है, तो फिर से ज्यूज और क्रिश्चियंस को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और लास्ट लाइन बनी इसराइल यानी जो यहूदी है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे यहाँ किताब होती है। अब ये है चैप्टर 46 वर्स नंबर 10। ए नबी तुम कह दो, भला देखो तो कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने उससे इनकार कर दिया, हालांकि बनी इसराइल में से एक तो ऐसी किताब की गवाही भी दे चुका है और ईमान भी ले आया, और तुम गरूर में पड़े हो, अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। तो फिर से अब एक कोई यहूदी कन्वर्ट हो गया तो वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तुम बाकी ये जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हारा पैगंबर हूं। तो सारे का सारा जो स्ट्रेस है वो आई होप आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस टू यू। अब आते हैं यहां पर, बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस, अब बैतुल मुकद्दस जो है जो जेरूसलम वाला जो यहूदियों वाली जो टेम्पल है उसे इस्लाम में बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। तो यहां एक चीज जो आपके साथ शेयर करनी है जरूरी है कि 15 वर्ष से आप एक ही तरफ मुंह करके बोल रहे हैं कि ये हमारा किबला है, ये हमारी सबसे पवित्र मस्जिद है, और अब आपने उसे चेंज करना है। तो डेफिनेटली लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो ये उसका आंसर है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे किबले की तरफ मुड़ जाने का बाइस हुआ। ऐ रसूल, तुम के जवाब में कहो कि पूर्व पश्चिम सब अल्लाह का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एक दिन अल्लाह मियाँ कहने वाला है कि अब तुम चेंज करके काबा की ओर जा सकते हो। तो उसके लिए जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि लोग कहेंगे कि इतने सालों तक तो तुम उधर मुंह कर रहे थे, पहले पूरब की ओर कर रहे थे, पश्चिम की ओर कर रहे हो, तो उसका तुम आंसर ये देना कि सब अल्लाह का ही है, पूरब भी तो उसी का और पश्चिम भी तो उसी का है। तो अब आप इसको अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखेंगे तो कैसा आर्ग्यूमेंट लगता है, आप अपने आप सोचें उसके बारे में। नेक्स्ट पेज चलते हैं।
ये उसकी बैकग्राउंड है कि किबला चेंज हो गया, अब ये उसकी नेक्स्ट वर्स है, और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुमको खास उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और मोहम्मद तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने, और ए नबी जिस किबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से किबला करार दिया था कि जब किबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं हम उन लोगों से अलग देख लें जो उल्टे पांव फिरते हैं, अगरचे ये उलट फेर सिवा उन लोगों के जिनकी अल्लाह ने हिदायत की है उस पर शक जरूर है, और खुदा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे, बेशक खुदा लोगों पर बड़ा ही रफीक व मेहरबान है। अब इसमें जो और क्वेश्चन उठता है वो ये कि अब अल्लाह अगर काबा की ओर मुंह कर रहा है तो 15 साल से तुम उधर मुंह करके कर रहे थे तो वो तो हमारा सब बेकार गया, तो उसका आंसर उन्होंने इस आयत में दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह तो बहुत कारसाज है कि जो तुम 15 साल तक वहां कर रहे थे वो भी तुम्हारे अकाउंट में ऐड किया जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब ये है वो आयत जिसने किबला चेंज कर दिया, ए नबी किबला बदलवाने के लिए तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हमने देखा है और हम जरूर तुझे उस किबले की तरफ मोड़ देंगे कि तुम खुश हो जाओ, अच्छा तो नमाज ही में तुम काबे की तरफ मुंह कर लो, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो काबे की तरफ अपना मुंह फेर लिया करो, और जिनको तौरत वगैरह दी गई है वो खूब जानते हैं कि किबले की ये तब्दीली बहुत सही है और उसके परवरदिगार की तरफ से है, और वह लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे नावाकिफ नहीं है। तो उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया कि पहली चीज ये जो पिछली आयत है इसमें कह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन पूछेगा वो बेवकूफ है, और हमने 15 साल तक किबला इस तरफ इसलिए रखा कि जिस दिन हम काबा की ओर मोड़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन तेरे लिए वफादार है कौन तेरे लिए वफादार नहीं है। और यहां अब जो स्टोरी है इसकी वो ये है कि एक दिन ये लोग सारे के सारे एक मस्जिद में नमाज कर रहे हैं, और फिर अल्लाह मियां की नई आयत उतर के आती है, ये वाली आयत जो मैंने अभी पढ़ी आपके लिए, कि अब तुम मुंह घुमा के काबा की ओर घूम जाओ और उधर को नमाज कर लो। और ये जिस मस्जिद में किया गया था वो आज भी वहां अरेबिया में है, उसे कहा जाता है मस्जिद ऑफ डबल किबला। तो अब दैट मीन्स 15 साल बाद किबला चेंज कर दिया गया है, अब उसकी डायरेक्शन जेरूसलम होने की बजाय मक्का में आ गई है। इसके बाद जो चेंजेस आने शुरू होते हैं कि जो इस्लाम की नेचर है अब पहले से बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होनी शुरू हो जाएगी। पहले वो क्रिश्चियंस को ज्यूज को मिला रहे थे लेकिन वो नहीं मिले, तो जो मिल रहे हैं वो लोग जो बेसिक रेजिडेंट थे जो मूर्ति पूजा करने वाले थे वो मिल रहे थे इनके साथ। तो अब ये जो एक्सक्लूसिव नेचर है इस्लाम की, अब इसे हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के चक्कर में बहुत चीजें मिस कर जाते हैं। इसके लिए मैं फिर से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 है कुरान का, इसकी आप ये वर्स पढ़ के देखेंगे, और किसी मोमिन को मुनासिब नहीं कि मोमिन को मार डाले मगर भूल कर, और जो भूल कर भी मोमिन को मार डाले तो एक तो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और दूसरे मकतूल के वारिसों को खूबा दे। अब ये जो टॉप वाला एक सेंटेंस है जो आयत नंबर 62 चल रही है, ये आपको दो चीजें क्लियर करेगी। पहली ये कि मुसलमान और गैर मुसलमान की डिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि आप मोमिन को नहीं मारना तो मुसलमान को नहीं मारना, और अगर मुसलमान को गलती से भी मार दिया तो आप एक मुसलमान गुलाम को आजाद करें। दूसरी चीज जो ये बता रही है कि एक तरह से जो गुलाम प्रथा है उसको ये कंडोन करती है, उसको फेवर करती है। हाँ अगर वे माफ कर दे तो उनको अख्तियार है, अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वह खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम को आजाद करना चाहिए, और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो मकतूल के वारिसों को खूब हां देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और जिसको यह ना मिले वह लगातार 2 महीने के रोजे रखे, खुदा की तरफ से तौबा है और खुदा जानता है और बड़ा हिकमत वाला है। अब अगली वर्ष देखिए, और जो शख्स मुसलमान को जानबूझकर मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है
जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा और खुदा उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उससे बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर की 64th वर्स है, ये देखिए, मोमिनो जब तुम खुदा की राह में बाहर निकला करो तो छानबीन से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलाम अलैकुम करे उससे यह ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और इससे तुम्हारी गर्ज यह हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। अब यहाँ जो बैकग्राउंड है मैं वो आपके साथ जरा शेयर कर लूँ एक बार। जब किबला बदल दिया, अब पहले तो जो इनकी पत्नी थी खदीजा, शी वॉज अ वेरी रिच बिजनेस वूमेन, लेकिन गुलाम खरीदते खरीदते इन कुछ वर्षों में, जो 12-13 वर्ष निकले, पैसे खर्च होते जा रहे थे, और अब खदीजा की मौत भी हो चुकी थी तो इनको पैसों की कमी हो रही थी। तो उसके लिए क्या डिसाइड किया गया कि जो मक्का वाले हैं वो काफिर हैं, काफिर यानी नॉन मुस्लिम्स हैं। अब क्योंकि प्रॉस्परस टाउन था तो वहां से कारवां निकला करते थे नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो क्योंकि मदीना नॉर्थ में था कि जब भी इनके कारवां आएंगे तो हम इनको लूट लिया करेंगे और इनका पैसा हम ले लिया करेंगे। तो ये लूटपाट शुरू हुई। तो अब जो मक्का वाले थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके कारवां सुरक्षित नहीं थे, और इसके लिए आज क्योंकि मेरा लेक्चर थोड़ा स्पेसिफिक है, केवल इस्लाम का ओवरव्यू लेना है हमने, इसलिए मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा उसके लिए, लेकिन जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का, इसने एक पूरी की पूरी चैप्टर निकाली है जिस चैप्टर का नाम है अल अनफाल। अनफाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लूट का माल, कि जब ये अल्लाह मियाँ ने ऑर्डर दिया कि काफिर हैं तुम इनको लूट सकते हो, उनको लूटो पाटो और उनमें से जो तुम्हें पैसा मिलेगा उसको तुम एंजॉय कर सकते हो कि अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट आएंगे। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप लूट भी रहे हो, मार भी रहे हो और फिर अच्छा काम भी कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट हुए जिनका काम ही लूटपाट का था। तो अब अल्लाह ने जो इनको लीवे दिया हुआ था, जो अनुमति दी हुई थी, वो काफिरों को मारने की थी, और क्योंकि इस तरह के लोग जुड़ रहे थे तो क्या करते थे, कोई जा रहा है उसे बोला अच्छा तू काफिर है, उसको मार के उसका सामान लूट लिया। अब वो गलती से कई बार क्या हुआ, यहाँ पे जो रेफरेंस है कि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने इनको देखा कि आ रहे हैं सामने, इनके पास तलवार भी है, उसने उनको बोला अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने तो लूटना था, तो बोले तू है तो काफिर, हमें जानबूझ के तो अस्सलाम वालेकुम बोल रहा, उसको मारा, उसको लूट लिया। तो ये आपको बताते हैं कि किस तरह के लोग थे स्टार्टिंग में जो इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे थे, और फिर जो अल्लाह मियां है वो जब इंटरवीन करते हैं तो वो क्या करते हैं। तो ये मैं आपके साथ यहाँ जो वर्स शेयर कर रहा था वो है। अब आपको इसमें क्लैरिटी आएगी, जब तुम खुदा की राह में बाहर निकलो, तो ये एक्चुअली इसकी टर्म है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलो, तो छानबीन से काम लिया करो, और जो शख्स तुम्हें सलाम अलैकुम करे उससे यह ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और इससे तुम्हारी गर्ज ये है कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो, यानी कि तुमने उसका माल लूट लेना है। तो खुदा के पास बहुत सी गनीमतें हैं। अब ये जो गनीमत शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, लूट का माल है ये भी। सो अल्लाह, खुदा के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर खुदा ने तुम पर एहसान किया, तो आगे छानबीन कर लिया करो, और जो अमल तुम करते हो खुदा को सबकी खबर है। और अगली जो वर्स है 65, वो आपको जिहाद के बारे में काफी कुछ बताएगी। जो मुसलमान घरों में बैठे रहते हैं और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वे और जो खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वे दोनों बराबर नहीं हो सकते। खुदा ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर दर्जे की में फजीलत बख्शी है। तो ये यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि जिहाद करते ही क्यों है। अब जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, उसने बोला कि जिहाद करना है। तो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले बन रहे थे अभी तक, वो भी दो कैटेगरीज में थे। एक वो थे जो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तो उनके लिए फिर अल्लाह मियां ने एक स्पेशल आयत और नाजिल की,
कि पहले तुम कहते थे हम लड़ेंगे नहीं क्योंकि अल्लाह ने नहीं कहा, लेकिन अब अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, अब भी तुम नहीं लड़ रहे हो। और दूसरे इससे ठीक ऑपोजिट थे, जो लड़ मार के लूट पाट को लाना चाहते थे, उनके लिए ये वाली आयत नाजिल की है। तो आपको कुरान तभी समझ में आते हैं जब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में है कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। अब इन्होंने यहूदियों से साइड कर ली, पहली चीज किबला चेंज कर लिया अपना, तो किबला चेंज कर लिया, अब तो यहूदी इनके पास आएंगे नहीं, पहले तो इक्का दुक्का मिल भी जाते थे, अब केवल मूर्ति पूजा वाले जो आम लोग थे वो इनके पास, यहूदियों में से कोई नहीं आ रहा था। इस्लाम की जो थियोलॉजी है वो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस या डिविजन्स करती है। पहली डिवीजन ये है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको दो कैटेगरीज में बांटती है, एक वो है जो मोमिन या मुस्लिम्स हैं, दूसरे जो गैर मुसलमान है, तो अदराइजेशन की जाती है इसमें बाकियों की। अब इसमें जो शब्द यूज किया जाता है काफिर एक ब्रॉड टर्म है उसके लिए, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज ऐसी हो गई है कि हम अपने स्क्रिप्चर्स ही नहीं पढ़ते तो दूसरों के स्क्रिप्चर्स तो कहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए दूसरों ने हमें मुश्किल बेवकूफ बनाना बड़ा आसानी से सोच लिया कि बन जाते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो जाकिर नायक या और जो ऐसे दुकानदारी चलाते हैं वो खड़े होके बोलते हैं कि काफिर का मतलब तो ये है जो किसी को भी विश्वास नहीं करता, उसको एथीस्ट बना देते हैं। लेकिन अगर आप कुरान को ही देखें तो कुरान का जो चैप्टर नंबर 98 है उसकी वर्स नंबर 6 वो डेफिनेशन देती है कि काफिर कौन है। काफिर की दो कैटेगरीज हैं, अहले किताब और मुशरिक। अहल होता है पीपल, अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, जिनके पास किताब है। अब किताब कुरान से पहले कौन कौन सी है, एक बाइबल है और एक तोरा है। तो अहले किताब यानी जो क्रिश्चियंस हैं और जो ज्यूज हैं, और मुशरिक यानी इनको छोड़ के जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनके लिए एक जनरल टर्म है मुशरिक, तो वो काफिर हो गए। ये पहली डिवीजन है इस्लाम की बिटवीन ह्यूमैनिटी। दूसरी डिवीजन जो इस्लाम करता है वो है टाइम की डिवीजन, कि जब तक तो कुरान नहीं आई थी तो सारा संसार जाहिल था, जाहिलियत थी वहां पर, तो उसे बोला जाता है पीरियड ऑफ जाहिलियत। और अब इस्लाम का नूर आ गया तो इसे जो नूर वाला पीरियड बोला जाता है इस्लाम के आने के बाद। अब इसमें जाहिलियत और नूर को अगर आपने समझना हो तो आपको सिर्फ अरेबिया का एक स्क्रीनशॉट देखना चाहिए आज का और 1400 साल पहले का। 1400 साल पहले वहां खदीजा थी जो दो शादियां कर चुकी थी, दो डिवोर्स ले चुकी थी और इंडिपेंडेंटली बिजनेस करती थी। तो ऐसा समाज जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहने की अनुमति देता है, जो उनको बिजनेस करने देता है, वो जाहिल समाज है। लेकिन जो महिलाओं को काले रंग के लबादे में बंद करके घुमाता है, जो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता, जो उनको दिन में बिना मेल अटेंडेंट के बाहर नहीं निकलने देता, वो इस्लाम का नूर है। तो ये हमें ये डिस्टिंक्शन समझ में आनी चाहिए कि वो नूर किसे कहते हैं और जहिलियत किसे कहते हैं। तीसरा जो डिस्टिंक्शन है वो है लैंड का, दरल हर्ब और दरल इस्लाम, कि जहां पर इस्लाम का रूल होगा वहां तो दरल इस्लाम है, जहां पर इस्लाम के अकॉर्डिंग रूल नहीं हो रहा दरुल हर्ब है। और हर मुसलमान को ट्राई करनी है कि वो जिहाद करे, वो लड़े, ताकि पूरे की पूरी दुनिया को दरुल इस्लाम बनाया जा सके, सारी जगह पर इस्लाम का शासन हो या अल्लाह का शासन हो। तो जब आपको जिहाद वर्ड समझ में आए तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या आपको पता होना चाहिए कि हर मोमिन या हर मुसलमान क्या करने की ट्राई करने वाला है। अब एक तो इन्होंने कारवां पे हमला करके उनको लूटना शुरू कर दिया, दूसरा प्रोसेस जो साथ साथ में चला वो था कि मदीना में लोगों को धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उससे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ और उसके पैरेलल ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का हरम बढ़ना शुरू हुआ। अभी तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब 25 वर्ष का था तो पहली शादी हुई खदीजा के साथ, जो उस समय 40 वर्ष की थी। तो 15 वर्ष, ये मुझे लगता है मैं पहले 25 बोल गया था, मैंने गलत बोला, 15 वर्ष बड़ी थी खदीजा इनसे। तो अब 25 से लेके 50 वर्ष की आयु तक, यानी पूरे 25 साल तक जब तक खदीजा जीवित है तब तक दूसरी शादी नहीं की,
तो वो उस लेडी का इन्फ्लुएंस था, उसका रूप था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन नहीं हुई। लेकिन जब वो मर जाती है हिजरत के समय, अब उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला केवल 10-11 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उनमें 10-11 ही शादियां करते हैं, तो जो हरम है वो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर अब सबसे मेजर जो ऑपोजिशन फेस हो रही है वो हो रही है ज्यूज से, यहूदियों से, जो पहले सबसे क्लोज एलाई, परसीव्ड एलाइज थे, वो अब सबसे बड़ा थ्रेट है, तो उनको निकालना बड़ा जरूरी है। तो ये मोहम्मद का वो, ये इस्लाम का वो वाला फैसेट है जो हमें पता होना चाहिए। तीन कबीले थे, बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैसा। तीनों अगर इकट्ठे होते तो बहुत पावरफुल होते, मोहम्मद कुड नेवर हैव बीन एबल टू डिफीट देम, एटलीस्ट हम ऐसा कंजेक्चर तो कर ही सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनके साथ अलग अलग से संधि की। तो पहले जैसे एक कबीला था बनु कैनुका, उसमें एक झगड़ा हुआ, कोई वहां के किसी यहूदी ने किसी मुस्लिम महिला को छेड़ा या क्या किया, तो अब इन्हें मौका चाहिए था लड़ने का, तो उन्हें बोल दिया कि तुम यहां से निकल जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उन्हें टाइम दे दिया कि अगर तुम 15 दिन में नहीं निकले तो हम तुम्हें घेर के मारने वाले हैं। तो उन्होंने अपना सारा तामझाम इकट्ठा किया, वहां से चले गए। कुछ वर्ष बाद दूसरे कबीले का नंबर आना था, उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ, तो अब क्योंकि एक को निकाल चुके हैं, देव टेस्टेड सक्सेस, तो अब उन्हें कहा गया कि तुमने अगर जाना है तुम जाओ, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी और सारा सामान यहीं छोड़ के जाओगे, तो बस जो उनके तन पे कपड़े थे बस वो लेके जा सके, वो भी चले गए। जो तीसरा कबीला था बनु कुरैजा, उन्होंने अब वो लास्ट में बचे हुए थे, अब तक ही है टेस्टेड सक्सेस, बहुत बड़ी अपने पास फॉलोअर्स की एक संख्या हो चुकी थी, तो उन्हें कोई चांस नहीं दिया गया, उनके जो मेल से सारे के सारे मार दिए गए, 600 से 900 के बीच में नंबर बताया जाता है जिनको वहां पर काट दिया गया, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को मंडियों में ले जाके बेचा गया गुलाम की तरह। अब ये आज की लेक्चर में क्यों जरूरी है कि इसे एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है कि दुश्मन जो था बड़ा था, न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्गर था, वेल आर्म था, उसे हराया गया पॉलिटिक्स करके, पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को, और उन्हें आपस में भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करने दिया गया। इससे एक टर्म कॉइन की जाती है इस्लाम में जिसे कहते हैं सियासते मदीना या सियासते मदैन। इसमें कहा जाता है कि दुश्मन बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसे हराओ, पर हमारे देश में ये प्रोसेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ में सिखों को देखेंगे तो सिखों में इन्होंने एक सेक्शन ऐसा है जिसे ये कन्विंस किया है कि तुम इस्लाम के ज्यादा क्लोज हो, सनातन धर्म से दूर हो। उन्हें खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग भी की गई है, उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो खालिस्तानी है, अभी तो उनको लगता है कि हम हिंदुओं को गाली दे लेते हैं, वो हमें रिटेलिएट नहीं करते, लेकिन ये उनकी सियासत मदीना का पार्ट है कि उन्होंने सिखों को अलग करके, एक बार सिख अलग हो जाएंगे तो उनको निपटाना इनके लिए बड़ा आसान है। ऐसे ही दलित नॉन दलित के लिए जो काम किया जा रहा है, कई लॉबीज इसमें काम कर रही है, इस्लामिक लॉबीज वन ऑफ है, उसमें मिशनरी लॉबी भी है, उसमें अर्बन नेक्सल्स भी है, लेकिन इस्लाम लॉबी की फंडिंग भी उसमें दी जाती है। वो जो जय भीम जय मीम की आप बात सुनते हैं वो सियासत मदीना का पार्ट है। नेक्स्ट जो चीज हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम में कहीं पर भी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बिलीफ सिस्टम है, आपको बिलीव करना है, बुद्धि नहीं लगानी इसके अंदर। तो जो क्रिटिक्स हैं उनको ये बख्शते नहीं थे, तभी से नहीं किया जा रहा। कोई अगर लेडी है, कविता गा रही है, वो जिस कविता में वो इस्लाम को या मोहम्मद को अपोज कर रही है, तो उसको मार दिया जाएगा। रात को आदमी जाता है उसे मार देता है, बच्चे हैं उनको मंडियों में ले जाके बेच दिया जाता है। और जब मारा जाता है तो कुरान में वर्ड आता है उनकी गर्दनें उड़ा दो, तो जो गर्दन उड़ाना या बिहेडिंग है वो भी इस्लाम का पार्ट है। तो अगर कभी आप देखते हैं कि आईएस वाले गले काट रहे हैं, तो आपको जो इस्लाम के दुकानदार मिलेंगे वो बोलेंगे इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, लेकिन वो इनकी जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से आती है, क्योंकि
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी देख रेख में ये जो 800-900 यहूदी कटवाए थे उनके सर ही काटे गए थे। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ इस्लाम है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर दो चीजें और, कुरान इज द परफेक्ट बुक, इट्स अ वर्ड ऑफ अल्लाह, तो उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। अगर उसमें लिखा है जिहाद करना है तो करना ही है। जब तक आपको नहीं पता, अब ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो जानते ही नहीं कुरान में क्या लिखा है तो जिहाद भी नहीं करते, लेकिन अगर वो अच्छा मुसलमान है, फॉलो करना चाहता है, तो उसे जिहाद करना है, उसके लिए फर्ज है वो। और ऐसे ही जो मोहम्मद है वो परफेक्ट इनके लिए आइडियल है कि उसको फॉलो करना जरूरी है। तो जब आप सुनते हैं कि 52-53 साल का आदमी है 6 साल की बच्ची के साथ वो कर रहा है, तो वो इंस्पिरेशन कहां से ले रहा है, वो आपको यहां दिखाई देना चाहिए। और यहाँ कमाल की बात यह है कि ये जो छोटी बच्चियों के साथ करना है वहां पर तो इनको ये सुन्नत दिखाई देती है, लेकिन कभी भी कोई यंग 25 साल का लड़का नहीं बोलता कि मेरी 40 साल की महिला से शादी करवा दो। तो पिक एंड चूज भी कर लेते हैं इसमें। अब आते हैं, अब आई होप मैंने यहां तक जो कन्वे करना था कि इस्लाम मोटा मोटा किस तरह के सिस्टम की बात करता है। तो इज इट अ प्रॉब्लम फॉर अस, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हम एक डेमोक्रेटिक, एक सभ्य सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना जरूरी है कि क्या ऐसा सिस्टम जो इस्लाम को पनपने देता है, उसको फलने फूलने दे रहा है, वो एक सभ्य समाज है, क्या वो एक ऐसी सोसाइटी है जो सेल्फ अवेयर है? जब हम कहते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए थे और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो क्या हमें देखना नहीं चाहिए था कि किस तरह की किताब है? और अगर हम इसे मदरसों में पढ़ा रहे हैं तो जो लोग इसे पढ़ के निकलेंगे वो क्या करेंगे, उनका कैसा बिहेवियर होगा, क्या हमें ये एनालाइज करना नहीं चाहिए था? हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने इसे एनालाइज नहीं किया और इसे समझा नहीं। इसमें हिंदुओं की, मुसलमानों की, दोनों की प्रॉब्लम है, या इसे कहें मुसलमान और नॉन मुसलमान दोनों की प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी में एक टर्म आता है जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि जो आपके विचार हैं और जो आपका बिहेवियर है, या आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपकी मान्यताओं के साथ मैच नहीं कर रही, कंफ्लिक्ट कर रही है, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जो मैं यहां आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूं, मान लो एक 20 साल का मुसलमान इसे सुन रहा है, वो बचपन से पढ़ता हुआ पैदा हुआ कि हमारे नबी तो बड़े अच्छे थे, बड़े दयावान थे, तो अब उसे सच ऐसे सुनने को मिल रहा है, तो उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगी, उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि क्या चीज ठीक है। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये बोलती है कि हर ह्यूमन बीइंग इस कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने की ट्राई करता है। अगर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए टेक्निक या स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कुछ लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं ये जो नीरज अत्री है ये झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 20 साल से 25 साल से मैंने जो सीखा वो सब झूठ था, और उसके लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा, जो बहुत हिम्मत का काम है, जिसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, वो हर किसी में नहीं होता। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप फैक्ट उसे डिनाई कर दो। तो मुसलमानों में ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की प्रॉब्लम है। बहुत रेयरली आपको मुसलमान मिलेंगे जो फैक्ट पे इस चीज को एक्सेप्ट करके इस्लाम को छोड़ते हैं, और उनको बेचारों को बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें, अब हम एक ऐसे समाज में है जहां पर सक्सेस का एक ही क्राइटेरिया है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, वो आप लूट के कमा रहे हो, मूर्ख बना के कमा रहे हो, करप्शन से कमा रहे हो, वो मैटर नहीं करता, बस पैसा कमा रहा है, लंबी गाड़ी है, बड़ा फ्लैट है, बड़ा घर है, ये सक्सेसफुल है। और जब आप उसे बताएंगे कि तेरी ये सोसाइटी खतरे में है क्योंकि तेरे ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है, अब उसके लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगी कि उसकी स्पेशलाइजेशन तो ये थी कि वो पैसे कमा रहा था, और अब उसे लग रहा है कि उसे ये काम करना चाहिए, तो वो क्या बोलता, नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं है, वो देखो रहीम चाचा वो तो इतने अच्छे हैं, तो वो पिक एंड चूज करता है। इसे हम बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कि मैंने मानना ही नहीं कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है या इस्लाम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मुसलमान की प्रॉब्लम भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की है, नॉन मुसलमान की प्रॉब्लम भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की है। अब लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसके लिए,
इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? देखिए, संसार भर में आप पूरे ग्लोब पे नजर मार लीजिए, जो मिडल ईस्ट है वो इस्लाम की ग्रिप में है, हालांकि वो अंदर ही अंदर इम्प्लोड कर रहा है, वहां पे मुसलमानों में बहुत सफोकेशन है, लेकिन वहां वो कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे हम उसकी वेट नहीं कर सकते। हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, हम बात कर सकते हैं। और अगर इस्लाम फैल रहा है और उनका ये मानना है कि बाकी सारे काफिर उनको मारना जरूरी है, तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, हमारे पास फंडामेंटल राइट है अपने रिलीजन को, बल्कि हमारे धर्म को प्रोपेगेट करने का। अगर हम आज 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10%, सिर्फ 10 करोड़ लोग ये सोच लें कि हमने जो ये मुसलमान आज सो कॉल्ड मुसलमान है, आपको सच बताऊं तो जो इस्लामिक सोसाइटी है, जो मुसलमान है, उनमें भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे इस्लाम के बारे में नहीं पता। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, जो लड़कियां ऐसी, बच्चियां ऐसी हैं जो सफोकेटेड फील करती हैं। और ये अगर हम सिर्फ 10 करोड़ लोग ये सोच लें कि हमने अपने जीवन में 1, 2, 4 मुसलमानों को सच्चाई बतानी है, सिर्फ सच बताना है कि ये सच है, तुम्हें एक झूठ में फंसाया जा रहा है, तो उतने से हम इस काम को 10-20 साल में पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर हम वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की घंटी बजाते रहेंगे तो बहुत पछताने वाले हैं। गांधी ने जो नॉनसेंस क्रिएट की थी वो उसने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मान के हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो किस किस लेवल पे करना होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सड़क पे, आप जिस लेवल पे सोच सकते हैं कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि कोई करेगा, हम हर किसी को करने की जरूरत है। और मुझे लगता है मैंने टाइम ज्यादा ले लिया आज लिमिट से, मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ। नहीं नीरज जी, वर्थ था ये समय देना। इस्लाम के बारे में उसकी हिस्ट्री, इस्लाम कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, उससे पहले वहां की क्या स्थिति थी, वो कैसे 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 धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सबको बहुत पिक्चर क्लियर होगी हुई होगी कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चला था। यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं तो मैं वो भी पूछ लेती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी का, उनका पहला प्रश्न है कि इस्लाम के उदय के पहले परमेश्वर को क्या कहते थे, और दूसरा है कि इस्लामिक चिन्ह चांद और तारे क्या है, मतलब उसका। मैंने अपनी टॉक में बोला था कि सोसाइटी लगभग हमारी सोसाइटी जैसी थी, जो प्री इस्लामिक अरेबिया है, लगभग हमारे जैसा था। अलग अलग देवी देवता थे, अलग अलग नाम थे, जो अल्लाह है वो उनमें से एक था। एक्चुअली अल्लाह भी अल प्लस लाह करके बनाया है। लाह वहां पर जो ऐसा बताते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि जो चंद्रमा है, ये आपके दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बन जाएगा कि चंद्रमा जो चंद्रदेव है उसे लाह के नाम से जाना जाता था, तो लाह वॉज वन ऑफ देम। उसके साथ प्रीफिक्स जब अल लगा देते हैं तो जैसे इंग्लिश में द होता है, द मून बन गया वो, तो अल्लाह द गॉड बना दिया कि वो एक को सबसे सुप्रीम बना दिया। अदरवाइज जो सोसाइटी थी बड़ी प्लूरलिस्टिक, बड़ी अकोमोडेटिंग थी, कोई एक नाम से नहीं जानते थे, वहां सैकड़ों नामों से जाना था। जैसे मैंने बताया 360 तो अलग अलग देवी देवता ही थे वहां, तो ऐसा नहीं था कि वो परमपिता परमेश्वर ऐसा कुछ कहते थे, लेकिन ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस था हमारे जैसा था। जो चांद और तारे हैं तो वो चांद वही, जैसे मैंने कहा कि जो मून गॉड था उसे लाह और बाद में अल्लाह के नाम से जानते थे, तो मून सिंबल वहां से आया है। My question is that it is very clear from the Quran itself that it is a fraud of Muhammad and anyone can know about it by reading Quran and Hadith. Still Muslims are slitting throats of kafir, so called kafir, in the name of Quran. So how can we expect a rational thing from them when they are not they do not want to read about it, they do not want to question about it, because it is the basic principle of being a human that we question. So when a particular section doesn't want to question, so how can we expect that we will live with them peacefully? Okay. देखिए ऐसा है कि मुसलमानों में बहुत वेरिएशन मिलेगी आपको,
कुछ हैं जो लॉजिक की बात सुनेंगे, तर्क की बात सुनेंगे, ह्यूमैनिटी की बात सुनेंगे, उनसे आप इंटरेक्ट कीजिए। जो जिस कैटेगरी की आप बात करें कि वो गले काटते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी है अबुल मुसाब यूसुफ, आप गूगल पे उसको सर्च कीजिएगा, हमास के कमांडर का बेटा था और मुस्लिम ब्रदरहुड में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन उसका उसका भी अंदर अंतरात्मा कहीं जागी और अब उसने इस्लाम छोड़ दिया है और वो इस्लाम के अगेंस्ट काम करता है, लोगों को अवेयर करता है, मुसलमानों को इस्लाम से बाहर निकालता है। तो पहली चीज, आपको नहीं पता कि आपकी बात किसे हिट करेगी, कौन समझ जाएगा, और दूसरी चीज, ऐसे सेक्शन हमेशा ही होंगे जो वायलेंस पे काम करेंगे, उन्हें आप पुलिस पे और हमारी जो जवान है उनके लिए छोड़िए, और जो आपकी बात सुनने वाले हैं उनसे आप इंटेलेक्चुअली बात कीजिए। रत्री साहब, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड इट इज वेरी वेरी इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हियर यू इन पर्सन। माय क्वेश्चन एसेंशियली इज दैट the way the Islamic overall thought or psychology or makeup is, it is based on Islamic theology. Again, there are two basic pillars of that, which is life of Prophet and word of God transmitted through a Prophet by the form of book. And as per their own belief, both are immutable or unchangeable. इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इस कंटेक्स्ट में हम चेंज कैसे ला सकते हैं, ये मतलब एक बड़ा मुश्किल सा सवाल लगता है। हालांकि आपने एक वे आउट बताई है कि आपको क्या करना है, वो तो आपको क्लियर हो गया, और आपने बड़ी अच्छी वे सेंस में बताई है कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ वायलेंस इन इट, इट इज ओनली कन्विक्शन विद इन यू एंड देन ट्रांसमिटिंग दैट कन्विक्शन टू हूएवर इज एबल टू। But still, there is a challenge which demands something more. So I would like you to say something on this part. Abhitosh ji, अगर challenge नहीं होता तो हम डेढ़ घंटा इस पे, मतलब the mere fact कि हम ये discuss कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि problem है और problem बहुत serious है, और आपने बड़े अच्छे से उसको judge भी कर लिया है। देखिए, इससे हमें निपटने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, 200 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, 2000 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। हर कोई देखेगा कि उसके पास क्या स्किल। पहला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है, दूसरा स्टेप होता है एक्नॉलेज करें कि ये प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की है इसके लिए मुझे कुछ करना है। ये दो स्टेप अगर हो जाते हैं, फिर तीसरा होता है कि आप अपने स्किल सेट को पहचानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं इंटेलेक्चुअली किसी को कन्विंस कर सकता हूं तो आप इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में चले जाइए, और आपको सच बताऊं तो सबसे आसान काम ये है और सबसे अच्छा काम ये है कि आपने सिर्फ सच बताना है। इसमें ड्यूटी क्या है कि आपको सिर्फ सच की बात करने के, भाई तुम्हें ये तुमसे छुपाया गया ये सच्चाई है, उतनी उनको वो देख लें। और दूसरा, साथ में आप उनको ये बताएं कि हम एक ऐसे समाज में है जो खुले खुले दिमाग ओपन माइंडेड है, हम तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, और ये एजुकेशन आपने सामने वाले को तो देनी है, अपने घर में भी देनी है। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जब तक उन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये थ्रेट है, तब तक आप लड़ नहीं सकते। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा बिफोर आई स्टार्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं उस हिसाब से ऑब्जर्व करता हूं। मेरे पास एक क्लास थी 40 बच्चों की, 5 मुस्लिम थे, 2 क्रिश्चियन थे, बाकी हिंदू थे, तो ऑलमोस्ट वही परसेंटेज है आपको हमारे देश में मिलती है। आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गिव देम लेक्चर ऑन ऑल द 3 मेजर आइडियोलॉजीज, सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मैंने देना शुरू किया और वो रिजल्ट, अब बच्चे क्या है, बच्चे एक तो ऑनेस्ट होते हैं, दूसरा क्रूअल होते हैं, वो जो बात है मुंह पे बोल देते हैं। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम किस पे खड़ा है, देखो टू अंडरस्टैंड इट, तो अब बच्चे आपस में तो बात करेंगे तेरा ये, तो जब वो तेरा ये पे आते हैं तो अपने आप समझ आता है कि कौन डिफेंसिव है और कौन एग्रेसिव है। तो उतने से, और आप यकीन मानिए कि एक वो डेविड वर्सेस गोलायत आपने देखा होगा, इस्लाम इज टू बिग कि आप उसको हिट करना तो शुरू कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने होल्स हैं उसके अंदर, एंड पीपल जो रिसेप्टिव हैं वो आपकी बात सुनेंगे।
ऐसे होंगे, जो मैंने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात इसलिए की कि बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं, अगर मान लीजिए आप 40 साल के आदमी से बात कर रहे हैं, मैंने तो की हैं डिस्कशन इनके साथ, एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है, मुझसे गले मिलके जाते हैं कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन घर पहुंचते हैं फिर मुल्ला मौलवी का प्रेशर आ जाता है, फिर वैसे वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बहुत लंबी स्ट्रगल है, मैंने इसलिए 20 साल की बात की है कि सारे जब करना शुरू करेंगे तब ये काम होगा। और जो वॉयलेंस वाला एलिमेंट है, वो दो तरह की वॉयलेंस है, एक जो गन के साथ कर रहे हैं उन्हें तो पुलिस वाले ही निपटेंगे या सिक्योरिटी फोर्सेज निपटेंगी, जो सड़क पे पत्थर मारने आ रहे हैं वो आपको अपना लोकल सोसाइटी लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशन करके रखनी होगी कि नो वन कैन होल्ड यू टू रैंसम, वो आपको अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन देखनी होगी कैसे करते हैं। आई हैव ट्राइड टू आंसर यू, आई डोंट नो कितना मैं दे पाया हूं। जी जब हम मुसलमानों को इस्लाम से बचाने की बात करते हैं और उसके अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो एक बात, एक तरीका ये भी ध्यान में आता है कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है, उनको उनको प्रमोट किया जाए, उनको पॉपुलराइज किया जाए। बिल्कुल। लेकिन मतलब ये मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कीजिएगा या उसका समाधान कीजिएगा। तो फिर उनको प्रमोट करने की जब हम बात करते हैं ताकि मुसलमान और उनको सीरियसली लें, क्योंकि एक काफिर बोले और एक खुद जो इस्लाम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो इस्लाम छोड़ के बोले, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि ज्यादा होगा और वो कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट करेगा मुस्लिम माइंड में। फिर वो अपोस्टेसी डे मनाते हैं, इंटरनेशनल अपोस्टेसी डे 2020 में, तो हम उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ क्योंकि मैक्सिमम एक्स मुस्लिम जो है वो एथीस्ट हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे जिन्होंने हिंदू धर्म सनातन धर्म अपनाया हो, तो फिर बाद में कई इंस्टेंस ऐसे होते हैं जब समझ में आता है कि वो सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को एक ही खांचे में देखते हैं, वो हिंदुइज्म को भी उसी तरह से टारगेट करने लगते हैं जैसे वो अभी काली माता पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। नहीं, तो, जी तो उसमें मेरा प्रश्न ये है कि कितना उनको प्रमोट किया जाए और कितना रिलाय किया जाए जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको। जी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ऐसा है, पहली चीज आपको ये समझना है कि ये जो एक्स मुस्लिम बनते हैं वो बेचारे बहुत हिम्मत करके ये स्टेप लेते हैं, तो उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा पोर्शन कि उन्हें कितना प्रमोट किया जाए, आपको ये समझना है कि वो किस इंटेलेक्चुअल लेवल पे खड़ा है, कि अगर वो एथीज्म में जा, देखिए पता क्या है, आज हमें, हमारे लिए समस्या क्या है कि हम अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, और वो उसकी तो अपनी लिमिटेशन है कि उसने एक इस्लाम को ही देखा, उसका जो बेस है वो इतना नीचा है कि वो सनातन धर्म को समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो वहां से एक छलांग मार के वो एथीज्म पे आया है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, कम से कम जब जिहाद हो रहा होगा तो जिहादियों के साथ मिलके आपके घर पे पत्थर नहीं फेंकेगा, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो उसने आधा रास्ता तय कर लिया। अब दूसरा आधा जो है, अब हम उसे नहीं पकड़ेंगे। आप देखिए, मैंने अभी अबुल मुसाब यूसुफ की बात की, वो क्रिश्चियन बन चुका है, तो वो उस लॉबी में चला गया, हालांकि वो तो एक से निकला दूसरे उसी तरह की चीज में जंप कर गया, अभी उसे नहीं पता चला इसके बारे में। फरहान कुरेशी है अमेरिका में, वो इस्लाम छोड़ के अपने आप को हिंदू बोलता है, तो हम उन्हें कितना समझा पाते हैं ये मैटर करेगा उसमें। अब आपको, मैं आपकी जो दुविधा वो समझ रहा हूँ कि प्रमोट करते हैं फिर वो एथीज्म पे वो हमारे ऊपर उंगली उठा देते हैं, उठाने दो ना, हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, तो आज उंगली उठा रहा है, कल हम तेरे साथ फिर बैठेंगे बात करेंगे, तुझे समझ में आता है तो सनातन धर्म को एक्सेप्ट करो, नहीं तो लेफ्टिस्ट भी हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दूसरी दूसरी इंटरेक्शन में नहीं मानेगा, तीसरी में मानेगा, वो आप हमारे कंटेंट पे डिपेंड करेगा। भाई जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे ग्रंथों में कई बार, जैसे जो पूरा प्राचीन शास्त्र हैं उनमें प्रक्षिप्त अंश का होना इस प्रकार का एक बिंदु होता है, जैसे एक पॉइंट होता है कि जो अच्छी बातें होती हैं उनको बुरा दिखाने के लिए या उनको इस प्रकार अपमानजनक या स्थिति इस प्रकार की पैदा करने के लिए कुछ प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए जाते हैं, तो क्या जो मुस्लिम जो जो साहित्य है, जो टेक्स्ट है, कुरान है, हदीस है, तो उनमें जो अमानवीय कृत्य हैं
उनको अच्छा दिखाने के लिए इस प्रकार से प्रयत्न उनके द्वारा नहीं किया जाता कि वो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि उनमें जो नेगेटिव चीजें उसे पॉजिटिव दिखाने की ट्राई करते हैं जी प्रक्षिप्त के रूप में इस प्रकार जोड़ दें क्योंकि कई बार जैसे कुरान पढ़ने की इच्छा हमारी हो और उसमें ऐसा हो कि एक पुरानी कुरान थी उसमें सही सही बातें ऐसे दी गई थी लेकिन एक अब की कुरान है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है क्या इस प्रकार का भी कोई ऐसा है आप थोड़ा कुरान पे ना एक अलग से वैसे तो डिस्कशन हो सकती है ऐसा हुआ था जैसे मैंने बताया कि उसको 22-23 वर्ष तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्लेम था कि मेरे पास आयतें उतर के आ रही हैं और उसके मरने के 22-23 वर्ष बाद इनको कंपाइल करके किताब बनाया गया है जो आज आप देखते हो तब बनाई गई है और अभी भी उसमें भी ऐसे लूपहोल्स हैं कि जो सबसे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलते हैं कुरान के 5-6 हैं अलग अलग जो अलग अलग म्यूजियम्स में रखे हैं उनमें भी आपस में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाती है लेकिन जो हमारे पास कुरान आम मार्केट में अवेलेबल है मैं हमेशा वो वाली कुरान कोट करता हूँ जिसे सऊदी अरेबिया की सरकार हज यात्रियों को देती है अब उससे ज़्यादा ऑथेंटिक तो आपको कुरान कहीं नहीं मिलेगी तो हम उसमें से कोट करते हैं जहाँ तक बात है प्रक्षिप्त होने की तो उनका सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर कोई ज़रा सा कुरान को इधर से उधर करेगा तो उसका गला काट देंगे तो किसी में इतना साहस ही नहीं होता कि उसमें प्रक्षिप्त कर सके हाँ उसमें वो रिवर्स वो ज़रूर करते हैं कि आप जब ट्रांसलेशन देखेंगे ना कि अब एक्चुअल में लिखा है गला काट दो उसको लिख देंगे गर्दने मारना है तो गर्दने मारना है सॉफ्ट हो जाता है कि हो सकता है डंडा मारना हो सकता है थप्पड़ मारना हो तो इस तरह का वो अपने आप ही चालबाजी खेलने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय बदल चुका है। नीरज जी जो मैंने कुरान को पढ़ा एक्चुअली मैंने भी कोई करीब 10 साल पहले इसको पढ़ना शुरू किया था एंड आई मीन इट इज ए इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जाकिर नायक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट एंड देन आई रेड सीरत आल्सो इब्न हिशाम की जो अल्फ्रेड गुलाम ने लिखी हुई है मैं सारा पढ़ने के बाद हदीसें पढ़ने के बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के बाद मुझे तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी निकलती है कि इसमें रिलीजन तो एक नाम मात्र के लिए या यूं कह लीजिए कि सब्जी बनाने के बाद उसमें तड़का लगाने जैसा तो रिलीजन है उसके अलावा बाकी सब कुछ तो इट सीम्स एज इफ इट इज ए सोशियो पोलिटिकल मूवमेंट टू कैप्चर द होल वर्ल्ड प्रैक्टिकली द होल वर्ल्ड उस समय पे जितना वर्ड था उतना सही और उसके बाद ग्रेजुअली वो एक्सपेंड होता रहा इसमें रिलीजन जैसी बात बहुत कम है तो आप क्या कहेंगे इस बात आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है आप जो कह रहे हैं आई एग्री विद इट सिर्फ एक चेंज कर देता हूं मैं उसमें जब आप रिलीजन कह रहे हैं तो मुझे लगता है आप उसको धर्म से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिलीजन है एक्चुअली पता क्या है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों ही रिलीजन है दोनों का अंडरलाइन स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है दोनों ही सोशियो पोलिटिकल है हम क्योंकि धर्म वाले चश्मे से देखते हैं हम रिलीजन के उसमें फंस जाते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि एनालिसिस आपका एकदम सही है सिर्फ वर्ड चेंज कर दीजिए कि इसमें धर्म जैसा कुछ नहीं है रिलीजन जैसा तो सारा कुछ है इसमें आपका ठीक है बिल्कुल एनालिसिस ठीक है आपका सर सबसे पहले तो मुझे आप रिलीजन और ये धर्म का जो कुछ कॉन्टेक्स्ट है ये अलग कैसे है पहले ये बता दीजिए उसके बाद मैं अपना प्रश्न सर आपसे ठीक है जी देखिए ये आज का मेरा टॉपिक ये नहीं था लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं बात कर रहा था कि अगर आप इंटेलेक्चुअली इस पर बात करना चाहते हैं तो आपको धर्म रिलीजन मजहब ये पता होना चाहिए क्योंकि हम ऐसे समाज में जहाँ धर्म की चर्चा होती है धर्म क्या है अब मैं उसकी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा जो हमारी ड्यूटी है जो हमारा कर्तव्य है उसे पालन करना वो धर्म है आप अगर एक पिता हैं तो बच्चे का अच्छे से लालन पालन करना उसे सारा कुछ प्रोवाइड करना वो आपका धर्म है आप अगर एक देश के सिटीजन हैं तो देश के लिए अच्छा काम करना आपका धर्म बन जाता है आप बेटे हैं तो माँ बाप की सेवा करना आपका धर्म बन जाता है तो वो धर्म आ गए रिलीजन और मजहब जो अभी सुनील गौड़ जी बोल रहे थे ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं अंग्रेजी में रिलीजन बोले तो क्रिश्चियनिटी जोड़ लीजिए मजहब बोले तो इस्लाम जोड़ लीजिए ये क्या है ये बिलीफ सिस्टम्स हैं कि हमने सिस्टम दे दिया इसके अकॉर्डिंग चलना है ये हमारा गॉड है ये हमारा अल्लाह है इसको मानना है बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है ये हमने डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं इन पे चलना है तुम्हें वो
धर्म वो रिलीजन और मजहब है। थैंक यू वेरी मच, आपके यूट्यूब वीडियो से काफी सारा लर्न करने को मिला है, स्पेशली लाइक द डेप्थ ऑफ नॉलेज, कितना सारा जो मटेरियल है और यू आर टेकिंग इतने सारे एफर्ट्स ले रहे हैं सारी बुक्स के थ्रू जाते हुए। मेरा एक एक्चुअली इससे थोड़ा हटकर एक क्वेश्चन है कि जो इस्लामिस्ट लॉबी है जो जनरली अमेरिका में है, स्पेशली यू कैन सी उसके रिप्रेजेंटेटिव इलान ओमर जैसे लोग हैं एंड ऑल, वो लोग काफ़ी पावरफुल लाइक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या ट्विटर यूट्यूब पे काफ़ी लोग जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, इवन मैनी एक्स मुस्लिम उनको काफ़ी हद तक साइलेंस करते रहते हैं, डीमोनेटाइज करते रहते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे एंड एज एन अपोजिशन टू दैट काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स अभी खड़े हो रहे हैं जैसे कि बिट शूट है वीडियोज के लिए, gab.com है वगैरह। हाँ तो देर आर ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स, तो लेकिन मुझे हमारी प्रेजेंस इतनी वहाँ पे नहीं दिखाई देती इंडियंस और संगम टॉक्स। तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट कि इससे पहले कि कोई हम आपके सारे यूट्यूब चैनल्स डिलीट कर दे, प्लीज मेक बैकअप्स एंड और जगह पे करें, क्योंकि अभी तक उनकी नज़र हमारी तरफ नहीं गई है। वो लोग जनरली यूएस और यूरोप में बहुत सारा करते हैं, लेकिन एज सून एज भी हम थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा होने लगे हमारे आपके चैनल्स वगैरह, वहाँ पे भी उन लोगों की नज़र फिरेगी। एंड डू नॉट कंसिडर फेसबुक और एनी ऑफ देम टू बी योर फ्रेंड्स, वही जी सॉरी नॉट जी, तो उनका सजेशन है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर द सजेशन और करते हैं ट्राई, थैंक्स अ लॉट। I was reading an article about Rabindranath Tagore ji. So he was giving an interview to Times of India where he mentioned his conversation with Muhammad Ali Jinnah. So he asked Muhammad Ali Jinnah that if some Mohammedan attacks India, will you fight against that Mohammedan for the sake of India? Then Muhammad Ali Jinnah replied that under no such circumstances a Mohammedan will fight Mohammedan. It is prohibited in Islam. Sir, if it is true, then how can we expect that being a Muslim, a person will fight for India? Because Quran and nationalism go against each other. So, please elaborate. पता क्या है? इसमें हम फिर वही सोचते हैं कि सारी मुस्लिम सोसाइटी मोनोलिथिक है, सब एक जैसे हैं। वो नहीं होता। अब अगर आप हिस्ट्री में देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो ये शर्कीज थे, पठान थे, आपस में लड़ते थे, शिया और सुन्नी आपस में लड़ते हैं, अहमदिया और शिया आपस में लड़ते हैं, अहमदिया और मुस्लिम अहमदिया और सुन्नी आपस में लड़ते हैं, तो लड़ते तो हैं ही। देखिए जो जो एक विचारधारा खड़ी वायलेंस के ऊपर होगी तो लड़ाई तो उसने करनी है ना। बाकी जहां तक आपका दूसरा पोर्शन था क्वेश्चन का कि देश के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे, अगर मैंने बात शुरू में मैंने बोला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फर्क है, हार्डवेयर तो सबका सेम है, अगर आप बच्चे में सॉफ्टवेयर अच्छा डालेंगे तो देश के लिए क्यों नहीं लड़ेगा। अशफाकुल्ला खान देश के लिए लड़ा था ना, नाम तो अशफाकुल्ला था लेकिन देश के लिए लड़ा था। वो हमारे ऊपर है कि हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम उसको आउटसोर्स करने की सोचेंगे कि कोई तीसरा करेगा, फिर हम वी डोंट हैव इवन द राइट टू आस्क द क्वेश्चन। I missed the original part of your lecture, but I understand you must have talked about the genesis of Islam. And the truth is that when the Prophet died, even then there was a Ben and some other person also commented that it is oriented towards political ideology. And they were the next Prophet wanted Ali to be his successor, but that did not pan out. And eventually who was able to, you know, gather more support and show greater strength, etc., etc., he became the caliph. Then another person became caliph. Finally, Ali became the fourth caliph. And all, to best of my knowledge, all were assassinated. Many of them when they were actually praying in the mosque. So in this context, this inherent threat of violence, which is always inherent to Islam and Islamic very well-being. And I totally agree with the, some nuance which you say essentially, which is कि आप तो पहले अपने ऊपर जानिए कि आपके आपकी साइड का पूरा स्वरूप क्या है। जो कि हमारे यहाँ सच बात मैंने ये भी देखी है कि बहुत
अपने को राइट विंग कहने वाले भी बड़े इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें अपनी साइड का भी कुछ पता नहीं होता और दूसरी साइड का भी पता नहीं होता. देन ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू काउंटर वायलेंस बाय वायलेंस. टू दैट एक्सटेंट आई रियली लाइक योर सजेशन कि आप ये करिए. इसके अलावा क्या क्या संभव है, जैसे क्योंकि ये इग्नोरेंस की बड़ी प्रॉब्लम है दोनों साइड से जी, अपनी साइड से ही नहीं है. अभितोष जी, प्रॉब्लम ये है ही इग्नोरेंस का कि जब इस्लाम, आप जब बात कर रहे थे ना कि एक के बाद एक जो कैलिफ से हम सबका असैसिनेशन हुआ है, वो क्योंकि सारे का सारा जो सिस्टम है वो जब लूट खसोट पे बनाया गया है तो वैसे ही उसके अनुयायी होंगे और वैसे ही चलेगा वो. अब क्योंकि समय चेंज हो गया है तो अब उनको अपना जो फेस है वो अच्छा दिखाना पड़ता है, इसलिए वो नकली हदीसें भी क्रिएट करते हैं कि हमारे प्रॉफिट साहब तो इतने अच्छे थे कि कचरा फेंकने वाली का हाल पूछने चले जाते थे. तो अब क्योंकि टाइम हैव चेंज्ड तो उनको अपने टैक्टिक्स बदलने पड़ रहे हैं. आप देखिए कि अभी किसी ने जाकिर नायक का एग्जांपल दिया कि वो इम्प्रेस्ड थे, होना ही था क्योंकि जाकिर नायक की हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो किस स्केल पे किया उन्होंने. और आप इमेजिन करिए कि इतने बड़े लेवल पे झूठ बोला जा रहा है. वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास सच जो है वो इस लायक नहीं कि उसको प्रेजेंट किया जा सके, विच इज अवर स्ट्रेंथ. मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि अभी जैसे किसी ने बोला कि वो यूट्यूब डिलीट कर देंगे, वीडियो हटा देंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मैंने अगर एक वीडियो डाला है तो अगर उसे 10,000 लोगों ने देख लिया तो मुझे वो 10,000 नीरज अत्री वही बात करते हुए दिखने चाहिए. जिस दिन वो हो गया, जिस दिन ये क्रिटिकल मास बन गया, काम अपने आप हमारा हो जाएगा. क्योंकि वो आज जीवित किस पे, सर्वाइव किस पे कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन पे. जाकिर नायक जैसे आदमी को सर्वोच्च इनाम, वो जो उनका प्रिंस है वो इनाम दे रहा है. आप कल्पना कीजिए ऐसी आइडियोलॉजी जो झूठे लोगों को हीरो बनाती है, कितनी देर वो खड़ी रह सकती है अगर उनके पास वो मेगा बजट्स ना हो. तो हमारे पास उल्टा, हमारे पास मेगा बजट नहीं है, हमारे पास सच तो है. इफ आई कुड गेट अ चैनल लाइक जाकिर नायक तो कितना मजा आ जाए, पर वो अगर नहीं है तो हमें जो हमारे पास है उसी पे काम करना पड़ेगा. तो द ओनली, माई ओनली सजेशन इज कि सिर्फ सच को सामने लाइए, बी इन्फॉर्म. जैसा आपने बोला कि हमारे लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता. मैं किसी को बोलता हूँ अच्छा बताओ तुम हिंदुज्म को कैसे, अगर सनातन धर्म की बात कर रहे हो तो कैसे बात करोगे, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपकी बात एकदम ठीक है कि अपने बारे में जान लिया, उसे सच लोगों को पेश तो करो कि ये सच है, उसी से अपने आप काम हो जाएगा. सर मेरा कुछ प्रश्न ऐसा है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ सर. तो अभी तक मैंने जितना सोसाइटी को देखा और अपने क्लासेस में जो मेरे बॉडीज हैं उनके साथ मिला, तो मेरा कंक्लूजन क्या हुआ, पिछले कुछ टाइम से मैं इधर पढ़ भी रहा था और इधर जानने के बड़े इच्छुक थे. तो जैसे जैसे मैं जान रहा था तो वैसे वैसे मैं सोसाइटी में मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया. लोगों को मैंने सनातन धर्म के बारे में और जो कुछ इस्लामिक जो कुछ वो है उनके बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले तो सर जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 15 साल के, 16 साल के, ठीक है सर, तो वो इतना रेडिकल हो चुके हैं अपने इस्लाम के लिए, वो हमारे बात को मानने के तैयार नहीं होते और हमें धमकी तक आ जाता है कि तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो. ये तो सर, चलो सर वो इस्लाम थे, उन्होंने हमें बोल दिया, ये अलग बात है. फिर बाद में बात कब आता है सर, जब हम अपने सोसाइटी में ही बात करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग अपने आप को बहुत लिबरल शो करके, अपने आप को बहुत महान दिखा करके, वो क्या करते हैं कि हमें गलत ठहराने के लिए जो है कहीं से कुछ ला करके कुछ करने की कोशिश कर देते हैं. और वो इवन उनको हम ये बताते हैं कि वो खुद सनातनी है, उनको हम ये बताते हैं कि सनातन कितना धर्म है, कितना महान है और कैसे है. हम सब कुछ सच्चाई रखते हैं पर फिर भी वो ना मानने को तैयार होते हैं, ना सोसाइटी में किसी को मानने देते हैं. तो सर उसके ऊपर आप कुछ अगर सॉल्यूशन या कुछ कहना चाहें तो. देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं. पहला तो जो आप कर रहे हैं उससे मैंने जब जर्नी शुरू की थी तो उन सबसे मैं गुजरा हुआ. हमारा समाज ऐसा है जिसमें सक्सेस का क्राइटेरिया पैसा कमाना,
और जो मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए था, उस टाइम मैं इस तरह के काम में लग गया कि जहाँ पैसा कमाना तो छोड़ दो कि रेस्टोरेंट निकलते थे या रेस्टोरेंट निकल सकते थे, निकले नहीं थे, थ्रेट्स आती हैं। अब मुझे देखो ना, आप अगर मोहल्ले में बात करते हैं आपको थ्रेट आ रही है, मुझे भी आ रही है, तो वो तो होगा ही, वो उनका काम है। आप देखो कि आपका काम क्या है, और अगर आपकी बात उन्हें कन्विंसिंग नहीं लग रही तो उनकी गलती तो है ही है, लेकिन शायद आपकी प्रेजेंटेशन में भी कुछ कमी होगी। और एक आप ये याद रखो कि जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं उनको कन्विंस करने में एनर्जी वेस्ट मत करो, जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करो। मैं आपको अपने बच्चों का एग्जांपल देता हूँ, मेरे स्टूडेंट से अभी मैंने बताया कि मैंने क्लास में पढ़ाया था, दो लड़कियाँ थी, ट्विंस थी, शायद 18-19 साल की होंगी वो, तो वो क्लास के बाद जा रही थी तो रास्ते में मस्जिद पढ़ती थी, वो मौलवी जी को जानती थी, मस्जिद के बाहर पूछ लिया, मौलवी जी बताइए जिहाद क्या होता है, वो कहती वो मौलवी को आंसर नहीं सूझ रहा था कि क्या आंसर दूं मैं। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछने शुरू करेंगे ना, एक तो कभी भी डिफेंसिव नहीं होना, आप उनसे पूछो कि भाई तुम बताओ ये क्या है, अपनी प्रेजेंटेशन को आप अगर फैक्चुअल रखते हो, साइंटिफिक रखते हो तो फर्क पड़ेगा। और दूसरी, जब आप दूसरे को बोलते होंगे तुम भी सनातनी और तुम भी हिंदू हो, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोग हिंदू नहीं है, हिंदू की अपनी या सनातन सनातन धर्मी होना, वो सनातन धर्मी है जिसके अंदर कोई क्वालिटी है, ऐसी थोड़ा हर कोई सनातन धर्मी हो जाएगा। अब आर्य समाज का एग्जाम्पल ले लो, हर कोई अपने पीछे आर्य लगा लेता है, आर्य कौन है, जिसके अंदर आर्य वाले गुण होंगे उसको तो आर्य कहोगे, जिसमें जिसको सनातन की अकल है उसे तो आप सनातन धर्मी बोल सकते हो, मैक्सिमम तो हिंदू ही नहीं है। मैंने जब सबसे पहले, उस समय सोनिया गांधी का राज होता था, तो मैंने सोचा था कि एग्जीबिशन कंडक्ट करूंगा इंक्विजिशन पे, क्रिश्चियनिटी पे, तो मेरे माता पिता सबसे पहले लोग थे मेरी ऑपोजिशन करने वाले, तो ऑपोजिशन तो मिलेगा। और मैंने उनसे हाथ जोड़ के ये कहा था कि जब पुलिस वाले आएंगे आप कहना कि बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमने इसे बेदखल कर दिया। ये मैं आपसे 2010 की बात कर रहा हूं, जब सोनिया गांधी बिल्कुल आयरन ग्रिप था उसका, कोई बोलता नहीं था। तो थोड़ी तो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम चेंज करते रहो आप। और अगर तो आप ये मान के चल रहे हो कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है, तो होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ गालियों के अलावा बहुत कम चीजें मिलती हैं पॉजिटिव इसमें। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे बस ये बताना था कि वो बोलते हैं ना कि 15-16 साल के बच्चे सुनते नहीं है, तो मैं 16 साल की हूँ, मैं सुनती हूँ, क्योंकि क्योंकि जब पता चलता है तब सुनने में और मजा आता है, और जब तक पता नहीं है तब तक होता ही है कि हम नहीं सुनेंगे। एक बार अगर अच्छे से बता दिया, अच्छे से कि जैसे हमें इंटरेस्ट आ जाए, तो हम फिर और ज्यादा अंदर सुनने लग जाएंगे। Exactly. ये है मेन पॉइंट, जो बच्चे हैं ओपन माइंडेड मिलेंगे आपको, बहुत कम है। अगर रेडिकल भी मिल रहे हैं ना आपको, क्या होगा कि रेडिकल कौन, कोई मुसलमान मदरसे से पढ़ के है वो आपको रेडिकल मिल सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि 80% तो सनातनी है, वो तो रेडिकल नहीं है, वो आपकी बात सुन लेंगे, वो अपने आप अपने साथी को भी समझा लेंगे।